ओए डगन, काली बट्टी सिटी में छुप के बैठा है, बिल से बाहर निकल। अगर शेर गुफा से बाहर निकला तो पता है ना जंगल में क्या होता है। अच्छा मजाक कर लेते हो डगन, एक चांस दे रहा हूँ, बैठ के बात करते हैं और सारा का सारा मैटर खत्म करते हैं और फिर से हम मिलके काम कर सकते हैं। लगता है तू मुझे ट्रैप करने की सोच रहा है। नहीं डगन बॉस, कोई ट्रैप नहीं, हम दोनों मिलकर लॉस एंजेलिस में फिर से राज करेंगे और उस माइकल के बच्चे का गेम ओवर करेंगे, समझ मेरी बात, और आजा लोकेशन। माइकल आजा, इस पतले हड्डी वाले को उसकी औकात दिखाते। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो यार, आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको बता देता हूँ। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में ना हमारे सबसे बड़े वाले दुश्मन एगल और उसका जो दोस्त है ना, गोस्ट मास्क वाला जो बंदा है भाई, उसे हम कर देते हैं ट्रैप उन्हीं के टनल में, मतलब उन्हें सब तरह से हम घेर देते हैं और उन्हें के पास सिर्फ एक ही इंटरेस्ट होती है, जो कि यार एक इतना खतरनाक वाला ग्लास है ना, वो ब्रेक नहीं होता है। हम लोग इतना ट्राई करते हैं बट वो ब्रेक नहीं होता है। फिर गाइस वो मुझे मैसेज करता है और कहता है कि देखो, तुम हमारा कब तक भी इंतज़ार करो, ये ग्लास टूटने वाला नहीं है और हमारे 2000 कमांडोस आते होंगे कभी भी तुम्हारे पे हमला करने के लिए। तो फिर मैं क्या करता हूँ, हमारे सारी की सारी सिक्योरिटी जितनी भी ना, NSG, SPG और मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी RSVPG और गाइस मेरी निंजा सिक्योरिटी, भाई सबको उधर मैं सिक्योरिटी लगा देता हूँ। एंड गाइस फिर मैं निकलता हूँ हमारे गैंग लीडर के फनरल पे और गाइस उसका हम लोग फनरल वगैरह करते हैं। एंड गाइस निकलते हैं और मुझे कॉल आती है, बोलते हैं कि यार यहाँ पे ना हमला हो चुका है, जो कमांडोस आने वाले थे ना भाई, उसमें 2000 नहीं, सिर्फ 150 या 200 आए थे भाई। बहुत खतरनाक वाली फ़ाइट हुई है भाई, इतनी खतरनाक वाली फ़ाइट, बहुत लंबी फ़ाइट चली, फिर हमारे ना बहुत सारे लोग मरते हैं बट हम लोग जीत जाते हैं, मतलब वो फ़ाइट हम लोग पूरी तरह से जीत जाते हैं और अभी भी वो लोग उसी वाले टनल में बंद है। तो आज हमें ना उसे टनल को ब्रेक करना है, क्योंकि मैंने लेस्टर से बात कर लिया है। फिर हम लोग जाते हैं भाई, जो फेक डगर बॉस है उसकी बॉडी को लिख जाते हैं लिबर्टी सिटी, रियल डगर के बॉस, क्योंकि वो बोलता है कि उसे ना यहाँ पे ही दफनाना है। फिर गाइस हम लोग लिबर्टी सिटी में होते हैं और वहाँ से हम लोग कुछ, हमें ना एक ऑक्शन दिखता है, मतलब एक शॉप होती है एक, जो कि अपग्रेड वर्जन के ना बढ़िया बढ़िया वर्जन के जेट प्लेन वगैरह उसने लाए सेल करने के लिए। फिर हम लोग वहाँ से सेलेक्ट करते हैं और आपको पूछते हैं कौन से लेने। तो आप लोग ने मुझे बोला था कि यार, आप लोग ने कमेंट मेरे को बहुत सारे बोला क्या लेना है क्या नहीं, फिर हम लोग चूज़ करेंगे और आपको वीडियो में पता चलेगा। और फिर हम लोग को डगन बॉस बुलाता है इसी वाले एरिया में जहाँ आप भी देख रहे होंगे, और गाइस वो कह रहा है कि मैं भी लॉस एंजेलिस आने वाला हूँ, मेरी एक न्यू सिक्योरिटी लेके। तो यार मुझे नहीं पता अभी न्यू सिक्योरिटी कौन से होने वाली है, सो चलो यार अभी वीडियो में बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पे ना आप देख सकते हो, मैं वही जगह पे जो मैं आपको बोल रहा था, अभी डगन बॉस कह रहा है कि देखो ये जो SPG सिक्योरिटी है ना मेरी भाई, ये तो आने वाली है, अभी एक और न्यू सिक्योरिटी मैंने खरीदी है, उसका नाम है टाइटन सिक्योरिटी। भाई ये क्या नाम है यार, गाइस टाइटन सिक्योरिटी में वैसे अच्छा नाम है बट भाई अजीब भी लगता है टाइटन गोस वगैरह ये सुन के यार, गाइस ठीक है ना। आप लोग भी बहुत मेरे को कमेंट में लिखते हो गो सिक्योरिटी लो यार, लेंगे यार गाइस ठीक है ना, तुम लोग हर वीडियो में कमेंट आ रहा है, सो आई विल ज़रूर लूँगा मैं। तो यार प्लीज़ वेट करो गाइस, ठीक है ना, अभी तो हमने इतनी सारी सिक्योरिटी बाई की है, सो जस्ट वेट एंड गाइस देखते जाओ। और गाइस हमें ना आज लेस्टर से भी बात की है मैंने, और लेस्टर के में आने वाला है, तो यार आप लोग वीडियो को पूरा देखो और लाइक करो यार, 1000 लाइक आज की वीडियो में होने चाहिए यार गाइस, ठीक है ना यार भाई, 1000 लाइक नहीं हो रहे और वीडियो को सब लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते यार, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं और सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर कर देना। सो यार अभी डगर बॉस को लेकर ना मैं जाने वाला हूँ लॉस सैंटोस, और लॉस सैंटोस में इसका न्यू घर और सिक्योरिटी देखते हैं। और चलो यार फटाफट से लॉस सैंटोस चल, यार डगर बॉस क्या कर रहा है यार, अभी भी खड़ा ही है इधर, हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएंगे बिल्कुल ही ना गाइस, अभी प्लेन वगैरह नहीं, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं। अभी पता नहीं डगर बॉस अभी कुछ काम लग रहा है भाई, खड़ा है भाई ऐसे यार, चल यार फटाफट से क्या कर रहा है, अभी टाइम नहीं है हमारे पास भाई, टाइम नहीं है, सो चलो। ऑल राइट यार गाइस, मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ से काट दिया और डायरेक्ट यहाँ से मैं आपको लॉस एंजेलिस ले आया हूँ भाई, लिबर्टी सिटी से डायरेक्ट भाई आप यहाँ पर। और इसका इस बंदे ने न्यू आइलैंड भी खरीद दिया, न्यू मैंशन भी खरीद दिया और न्यू याज भी खरीद ली लॉस सेंटर से। पता है यार डगन बॉस के पास कितना ज़्यादा पैसा है भाई, अंधा पैसा है डगन बॉस के पास। सो चलो यार, इसने यहाँ पर ना न्यू सिक्योरिटी भी लगवा दी, मुझे पता भी नहीं, उसने मुझे बोला मैं SP की सिक्योरिटी को लेके आ रहा हूँ और आज बोल रहा है कि मैंने आज ना
और टाइटन सिक्योरिटी परचेज कर ली है जो कि बहुत ही खतरनाक है। मतलब इनकी जो शील्ड है ना भाई बहुत ज़्यादा ही मेटल की बनी है, जिससे भाई आरपीजी हो या कुछ भी हो भाई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यार चलो यार सक्सेसफुल लैंडिंग मैंने करवा दी है और भाई इसकी न्यू सिक्योरिटी वगैरह देखते हैं और इसका न्यू घर वगैरह देखते हैं। और चलो भाई हमारे दो एसपीजी के गार्ड्स भी आ गए भाई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई पता नहीं कौन हवा में इसको मार रहा है। सो डगन बॉस कह रहा है कि चलो तुम आगे चलो, और ये कह रहा है कि आज ना भाई एगल और जो गोस्ट मास्क वाला बंदा है ना भाई उसका गेम ओवर करना है कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो गाइस। तो यार अभी टगर बॉस बहुत गुस्से में है, आज बहुत ज़्यादा ही गुस्से में। उसने बोला है कि मैं खुद अपने बिजनेस के वगैरह छोड़ के ना लॉस सैंटोस में आया हूँ, अब गेम ओवर करना होगा कैसे भी करके, क्योंकि आपको पता है भाई दुश्मनी भी हो चुकी है टगर बॉस और उसकी भी हो चुकी है। अगर आप मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो आपको सारी स्टोरी समझ में आ रही होगी। सो यार प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच किया करो। और ये देखो भाई इसका, भाई साहब इसके हेड पर भी कोई गोली मारेगा ना भाई कुछ भी नहीं होगा। ये टाइटन सिक्योरिटी भाई साहब भाई बढ़िया लग रहे यार, लुक इनका बहुत बढ़िया है। आप लोग बताना इनका लुक 10 out of कितने दोगे यार भाई। मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही मस्त लगी यार, मतलब क्या ही हेलमेट वगैरह पहने ना भाई एकदम बढ़िया। चलो यार गैस भाई सिगरेट पी रहा है भाई डगन बॉस, पता नहीं भाई क्या आते के साथ ना भाई पी रहा है गैस और इससे बातचीत वगैरह करते हैं गाइस। एंड ये कह रहा है कि देखो तुम ना घूम लो वगैरह कर लो, अब कुछ अपना जो काम है ना वो करने वाला है तो वेट करो। अभी तो यार लॉस सैंटोस से लिबर्टी सिटी आए हैं, मतलब लिबर्टी सिटी से लॉस सैंटोस अभी लैंड किया है। ये कह रहा है कि तुम अपना अपना थोड़ा काम देख लो, फिर अपन जाके ना बाद में भाई एगल और उसका काम ख़त्म करते हैं, मतलब तुम जाके ना भाई कुछ तोड़ो वगैरह कुछ करो तो फिर हम लोग कुछ कर पाएंगे। सो यार चलो यार गाइस अपन लोग ना थोड़ा सा इसका भाई मेंशन वगैरह देख लेते हैं। और ये क्या भाई ये एक सेकंड ये कौन है भाई, मुझे तो भाई डर लग गया मैं भाई, ये तो भाई साहब क्या ही बोलो भाई। एंड इसके यहाँ पे देखो यार इतने सारे क्रूज, आई थिंक ये क्रूज ही है ना। और ये देखो भाई लीमोज भी है, सॉरी लीमो है या पता नहीं गाइस। भाई साहब बढ़िया मेंशन है यार इसका, वैसे तो भाई मेंशन तो बढ़िया है बट ये वीला लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, पर यहाँ से कार निकालेगा कैसे ये, चलो कोई ना भाई एक्सपोर्ट वगैरह कर सकता है, बहुत पैसा है डगन के पास, इतना पैसा है ना भाई साहब अंधा पैसा। भाई यहाँ पे देख रहे हैं लोग वगैरह भी लगवा के रखे हैं इसने, ठीक है यार भाई साहब ये सिक्योरिटी मुझे बहुत बढ़िया लग रही है यार एकदम, ये बढ़िया सिक्योरिटी है और ये मेंशन भी बढ़िया है। ठीक है ठीक है कोई बात नहीं यार, क्या पता आगे जाके हम लोग इस पर कब्जा कर लेगा इसके लिए मुझे नहीं पता। पर डगन बॉस और मैं कब तक फ्रेंड रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है ये मेरा बहुत बड़ा वाला दुश्मन है भाई, मेरा ही क्या सबका ही दुश्मन होता है ये। बट चलो यार यहाँ पे ड्रोन उड़ रहा है, ठीक है भाई साहब ये देखो भाई फुल मेडिकल लेके खड़ा है भाई। चलो यार फटाफट से हेलीकॉप्टर, ये क्या कर रहा है नीचे नहा रहा है क्या भाई, भाई ठंडी लग रही है क्या उसको भाई इतनी गर्मी में। चलो यार गर्मी लग रही है अब क्या ही करेंगे गर्मी में गाइस, अब पूल में जाएंगे ना बता भाई ये क्यों रहा है भाई। वैसे सिक्योरिटी कैसी लगी आपको ज़रूर बताना भाई, मेरी सिक्योरिटी नहीं है भाई ये डगन बॉस की न्यू सिक्योरिटी भाई, पता नहीं ये बोल रहा है कि टाइटन सिक्योरिटी मैंने लाई है। ठीक है यार कोई बात नहीं, टाइटन लाई है तूने बहुत अच्छी बात है। चलो फटाफट से बैठते हैं चौप में और गाइस आगे जाते हैं अपना जो टनल है ना भाई, कुछ प्लान वगैरह करते हैं। अभी लेस्टर वगैरह इधर आ गया होगा और लेस्टर से बातचीत करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ब्लास्ट कैसे ब्रेक करना है, क्योंकि सिर्फ उसी को पता होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा वाला हैकर है, उसके सामने जो भी आया भाई वो तोड़ देता है, वो बैंक का ताला हो या कुछ भी हो गाइस आपको पता है लेस्टर के पास भाई एक्सपीरियंस वाला बंदा है भाई साहब, वैसे टकरा नहीं हुआ है वो। तो चलो यार अभी फटाफट से ना भाई पहुंचते हैं भाई टनल गोल्ड माइन की ओर और आपको बताते हैं क्या सीन है और क्या नहीं है। ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं टनल में और यहाँ पर देख रहे हो कल इतनी ज़्यादा तबाही हुई ना भाई, सारे के सारे बिलबोर्ड वगैरह सब कुछ तोड़ दिए थे, अगर आपने मेरी वीडियो कल देखी होगी। सो भाई ये देखो बस कुछ ही बिलबोर्ड्स, पता नहीं ये बोर्ड थे एक दीवार तो नहीं थी बट ये बोर्ड थे भाई, वो सारे के सारे तोड़ दिए हुए हम लोग ने। ठीक है यार चलो चलो फटाफट से जैसे लैंड करवाते हैं और भाई साहब बढ़िया से लैंडिंग होनी चाहिए, एक सेकंड बढ़िया लैंडिंग कर रहा हूँ ना वरना अपने बंदों पे ना उतर जाओ। ठीक है आराम से उतारेंगे आराम से। चलो अपने बंदे पे ना उतर जाए भाई, इतने बारीक बारीक दिख रहे हैं ना कसम से। बातचीत करते हैं उनसे और पूछते हैं भाई लेस्टर आ गया क्या, चलो लेस्टर आई थिंक आ चुका होगा। ठीक है यार गाइस फटाफट से ना उतरते हैं एंड बस तब है कि भाई बढ़िया से लैंडिंग मारते हैं और अपने भी कुछ लोग मरे हुए यार गाइस। ठीक है ना भाई, क्योंकि आपको पता है उन बंदों के पास ना जेट वगैरह है और भाई साहब जेट वगैरह होने के कारण हमारे साथ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मर चुके हैं,
और जो गैंग के बंदे थे वो तो बेचारे के पास आर्मर वगैरह कुछ नहीं था, वो मर चुके ऐसे। ये देख रहे हो ठीक है यार, कोई ना यार गाइस अब चलता है यार गाइस, अभी इतना वार में तो चलता है ठीक है ना, अभी कोई ना कोई तो मरेगा ऐसे, थोड़े सब लोग इमोर्टल रहेंगे तो इतनी फाइट में गाइस 10-12 लोग तो मरना जायज ही है, मतलब समझ सकते हो यार, नहीं मरेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है भाई, ये लोग भी बिल्कुल रेडी है, मतलब कोई भी अलर्ट वगैरह होता है ना भाई ये बिल्कुल रेडी है, मतलब किसी भी टाइम पे अटैक कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, NSG निंजा सिक्योरिटी इधर, आई थिंक बाकी के सिक्योरिटी इधर चले गए आई थिंक, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी भी है, बाकी के जो सिक्योरिटी आई थिंक वो चले गए हमारे। ठीक है ठीक है, यहाँ पे के भी है और टॉमी भी है और निंजा इनसे बात वगैरह कर लेता हूँ। और गाइस यहाँ पे ना बातचीत मैंने कर दी थी लेस्टर से, और लेस्टर कह रहा है कि देख भाई ये ग्लास है, मुझे एक बार ना इस पर गोली वगैरह चला के देखा फिर मैं कुछ करता हूँ, एंड कुछ मतलब ये कौन सा ग्लास है क्या है मुझे पहले बता दे तू, मतलब फायरिंग वायरिंग करके बता दे टेस्ट वगैरह, तो उस हिसाब से मैं कुछ कर सकूँ। मतलब ठीक है भाई, ये देख भाई बुक्के तो मार रहा हूँ, कुछ असर तो पड़ नहीं रहा है, ये कह रहे हैं कि सब करके देखा भाई, बुक्के से लेके भाई RPG से। ठीक है, ये देखो भाई कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है गोली इसको जाके रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है देख ले भाई, और RPG चलाता हूँ भाई, RPG कितनी बार चलाई है मैंने भाई, टोटल भाई कितनी चला ली था कसम से भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये देखो भाई बिल्कुल ही ना कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है यार, ठीक है इतना तो काफ़ी है ना, अभी अब क्या ही बोले यार, ये किस चीज़ का ग्लास बना है, कौन सा मेटल बना है, पेरिटी टेबल में देखना पड़ेगा। तो चलो यार गैस, ये ना अभी दिमाग लगाने वाला है और इसको मैं बता दे दूँगा, और ये पता नहीं गैस जो भी करेगा अच्छा ही काम करेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, एंड ये कुछ टाइम लेगा तो फिर आपको मिलते हैं उधर ही। ऑल राइट गाइस, यार यहाँ पर ना कुछ घंटों के बाद इस लेस्टर ने भाई कुछ एक बढ़िया सी व्हीकल मंगवाई, जिसमें से ना भाई ग्रीन फायर निकल रहा है, और इसने एक आइडिया लगाया, मतलब ये कह रहा है कि ये ग्रीन फायर में इतनी ज़्यादा पावर है ना, और इसमें कुछ इसने लिक्विड वगैरह भी मिला है जिससे वो मेल्ट हो जाए, और गाइस हम लोग इसको ईजीली ब्रेक कर पाए। ये कह रहा है कि इसमें मैंने 3-4 लिक्विड डाला है जो कि तुम्हें पता नहीं होगा, एंड वो कह रहा है कि देखो अब ना हम इसे सारा का सारा बिल्कुल ही नरम कर देंगे, और मतलब ये कह रहा है कि कितनी भी हार्ड चीज़ हो भाई उसे नरम कर देती है एंड आसानी से ब्रेक कर सकती है, मतलब ये जो व्हीकल है ना बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, एंड इसमें हम लोग वार में भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा ही। तो यार ये कह रहा है कि देखो अब बस थोड़ा ही बाकी है, फिर उसके बाद तुम ना गाइस अपना जलवा देखो एंड बस देखते जाओ गाइस। अब ना यहाँ पर देख रहे हो ग्रीन फायर निकल रही है, क्या ही मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल दिवाली जैसे अनार फूटता है ना भाई, वैसे ही लग रहा है, तो सच से बताना आपको भी लग रहा है कि नहीं। तो चलो यार इसमें से भाई कितना छोड़ेगा भाई, बस कर भाई, गर्म हो गया होगा आई थिंक, चलो यार रिएक्शन होने वाली है लग रहा है इसको। ठीक है भाई, पीछे से धुआं निकल रहा है, सो गाइस चलो यार अभी यार कितना करेगा भाई, बस कर दे भाई वरना पूरा आग में लग जाए भाई। चलो ये कह रहा है कि यार ग्लास ना ज़्यादा ये हार्ड है यार, ठीक है कोई बात नहीं, टाइम तो लगने वाला है कैसे अभी यार, इतना हमने RPG वगैरह सब कुछ ट्राई किया यार उससे नहीं फूट रहा है, तो यार ये ग्रीन फायर क्या होगा पता नहीं। सो चलो यार जो चीज़ फूटती नहीं उसे मेल्ट करना होता है लेस्टर कह रहे हैं, तो ठीक है यार ये भी सही बात है, जो कड़क है उसे भाई पिघलाना पड़ता है। ठीक है भाई पिघला देंगे उसको, पिघला तो दिया है, अब पता नहीं गाइस क्या है। ठीक है चलो अभी लेस्टर से बातचीत वगैरह करते हैं, वैसे अब ये कह रहा है कि अब तुम ना फायर करके देखो, मेरे हाथ में ना तो ग्रीन फायर चलवा दिया, अब तुम्हारी बारी है कि अब तुम ना रॉकेट छोड़ रहे हैं, जो भी करना है करो भाई आसानी से जल्दी से करो भाई, टाइम नहीं है वरना हवा की वह लग जाएगा तो सूख सकता है, जो भी है चलो फटाफट से ना भाई 1-2-3 बोलते हैं, और गाइस प्लीज़ यार फूट जा प्लीज़ यार, मुझे अंदर जाना है, अंदर क्या सीन है मुझे देखना है यार, खुल जा। अरे भाई फूट गया, अरे भाई अंदर एक जगह अंदर रोबोट सिक्योरिटी भी इसके खड़े हुए, मुझे पता ही था पहले से खड़े हुए थे वो लोग, यार चल निकल साले निकल, ये मरी नहीं रहा इसकी भाई इसकी आग, यार रोबोट चल गया भाई आग लग के मर गए बेचारे, ये रॉकेट से कुछ नहीं हो रहा है आग से हो रहा है साले चिमकांडे, ये लोग का ही नहीं ढूंढो जल्दी से फटाफट से, अरे इसको क्या हो गया चक्कर आ गया क्या भाई, भाई इतने डूबना पाए यार, ये बंदे ने गए सब कुछ बांध रखा है फिर भी नीचे गिर गया भाई, चलो अंदर जाना पड़ेगा भाई, लेस्टर कह रहा है कि तुमने 2 दिन से इनको बंदर अंदर बंद करके रखा है, तो यार ये सोच रहा है कि टनल वगैरह पे उन्होंने खोद के ना निकल गए होंगे, यार भाई हम क्या कर सकते हैं, टनल खोद लिया हुआ था कहाँ से खोदा होगा हमें क्या पता, हमें बस ग्लास ब्रेक करना था और कुछ नहीं भाई, अगर वो मिल गए तो हमारे गैस मौत हो जाएंगी। और चलो यार वैसे भी ना हमें टनल खोदनी थी, बट कल गाइस आपने देखा
भाई उन्होंने हमारा इतना टाइम फाइट में लगा दिया, क्या बताऊँ कुछ भी हो जाए। सो चलो यार एक सेकंड, अंदर तो कोई नज़र नहीं आ रहा है यार, अंदर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल यार। ये एगल और गोस्ट मास्क वाला बंदा कहाँ गया पता नहीं यार, अंदर नज़र ही नहीं आ रहा है कुछ भी यार। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड भाई, यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है बट मुझे लग रहा है इधर कुछ है, इधर कुछ आवाज़ आ रही है। एक सेकंड, ये क्या है? एक सेकंड गाइस, भाई यहाँ पर वही बोली आवाज़ किसका आ रहा है, टक टक टिक, जैसे होता है ना टाइमर होता है इस घड़ी का, टिक टिक करता है। भाई यहाँ पर इस बंदे ने स्टिकी बम लगाई है मतलब जैसे हम आस पास जाएंगे भाई उसको सेंस हो जाएगा और भाई हीट लगेंगी और वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखो मैंने फायर किया ब्लास्ट गाइस, यार इस बंदे ने सेंसर स्टिकी बम लगवाई है, इधर लैंडमाइन भी बोल सकते हैं उसको। भाई ये बंदा लग रहा है ना निकल गया इधर से, वो बंदा इधर से निकल चुका है इतना तो मुझे पता चल गया है। बट एक सेकंड, मुझे हर चीज़ देखनी होगी वरना ऐसा ना हो कि मैं इधर ट्रैप हो जाऊँ और मेरे साथ फिर से मोए हो जाए, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ पर एक बार ट्रैप हो चुका हूँ और इतने बड़े मुश्किल से ना भाई निकला हूँ वहाँ से, आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है यहाँ पर एक सेकंड ही है, देखो भाई इसकी भैंस की आग, मुझे पता था ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है। ये देख रहे हो गाइस, ये देखो मैं जूम करता हूँ, ये देखो भाई इसने गेम लगा के रखा इस बंदे ने। चलो इसको एक गोली मारता हूँ एंड ये देखो गाइस, भाई कसम से भाई गंदी मौत मरते, बहुत गंदा हुआ था गाइस, इसलिए मैंने सुन लिया वरना भाई ये दोनों तो बातें करते करते आ रहे थे वरना भाई फट जाती। भाई कोई अटैक ना कर दे। ये एक सेकंड इधर भी लग रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो गाइस, मैंने आपको बोला था ना स्टिकी बम लगाए हुए सारे सेंसर स्टिकी बम, जैसे हम जो गाइस जाएंगे वहाँ पर भाई वो ब्लास्ट हो जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा ये बंदे ने प्लानिंग कर रखी है, मतलब वो ना इधर से टनल वगैरह खोद के ना निकल गया होगा, पता नहीं यार अब कहाँ टनल खोदाऊँगा, मुझे क्या पता गाइस। अभी दो दिन थे उनके पास, क्या पता गाइस वो कुछ कर रहे होंगे, अब किया होगा गाइस, क्योंकि इनके पास सारे रोबोट्स यार, रोबोट तो कभी थकता नहीं है और इनके पास हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, मतलब चार्जर वगैरह मतलब सब कुछ अवेलेबल ही है। देख रहे हो कितना ज़्यादा माल है, और भी है क्या? ये देखो इधर भी है भाई, ये देखो भाई इसको गोली मार दो। चलो एक सेकंड अपना गाइस, एक सेकंड इधर और भी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका ना हो। चलो यार बड़ा धमाका नहीं हुआ, अच्छी बात, मुझे लगा बड़ा वाला धमाका हो गया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो यार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है इधर, कोई भी नज़र नहीं आ रहा, लग रहा है वो लोग यार गाइस बहुत गंदा वाला हमने काम मिस कर दिया, कल उनसे गंदी वाले फाइट हुए ना हमारे से भाई, इसलिए हमारा टाइम सारा उसी में चला गया। और गाइस फनल वगैरह भी करना ज़रूरी था और भाई उसकी बॉडी भी ले जाना ज़रूरी था लिबर्टी सिटी, आपको पता यार फिर बॉडी डीकंपोज हो जाएंगी और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, इसलिए हम लोग को उधर जाना पड़ा। वरना बहुत सारे बंदों ने मुझे कहा था कि यार आप टनल खोदो, बट यार हम लोग खोद नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं था और फनल वगैरह करना था यार गाइस, बहुत ज़रूरी काम था जो कि पहले करना था। सो चलो यार अभी एक सेकंड, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एंट्रेंस है यहाँ से, तो और यहाँ पर ये क्या, अरे यार इधर तो बंद कर दिया इन्होंने बिल्कुल ही यार, ये क्या सीन है? ये देखो इस इतने सारे लाइन मैन वगैरह लगा के रखे ना स्नीकी बॉम्ब्स यार, और नहीं ना, चलो आ जाओ आराम से आ जाओ। अभी भी सिगरेट पी रहा है ये बंदा गाइस मिस्टर के, भाई इसने यहाँ पर ना सारा का सारा माल इधर रख दिया। ये देखो भाई आपको पता है आगे कितनी बड़ी जगह है एंड बहुत कुछ है, इस बंदे ने यहाँ पे लग रहा है सब कुछ रास्ते ही बंद कर दिया। भाई वो निकल गया उधर से गाइस, अब मुझे नहीं लगता वो आगे कुछ खोद के कुछ फ़ायदा वगैरह होगा, मुझे नहीं लगता है गाइस अभी आगे जाके कुछ फ़ायदा होगा। भाई हमको ना बस टनल का पॉइंट ढूंढना होगा, अब उन्होंने कहाँ से टनल खोदी हमें नहीं पता, तो अगर खोद भी नहीं होंगे तो वो लोग इधर से निकल गए होंगे। अभी रास्ता वगैरह सब कुछ ना यहाँ पे इन्होंने माल वगैरह जमवा दिया, इधर से निकलना मुश्किल ही नहीं, मुश्किल ही नहीं। अगर मैं इधर से चला भी गया आगे तो मर भी सकते, बोल ही सकते, और उसने स्टिकी बम वगैरह उधर लगवा दिया हो, ठीक है ना गाइस। तो मैं नहीं चाहता कि यार हम लोग कुत्ते की मौत मरे, तो यार चलो यार के और निंजा निकलते इधर से, वो लोग तो यहाँ से निकल गए गाइस, ठीक है ना, इतना तो मुझे पता चल गया क्योंकि यार स्टिकी बम वगैरह सब कुछ इधर लगा हुआ था। भाई वो तो इधर से निकल चुके हैं एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, लेस्टर ने भी कह दिया कि यार हम तो टनल भाई 5 घंटे में खोद देते हैं, तुमने तो भाई 2 दिन आधी रात दे दी उन्हें, उतने में तो वो लोग पूरे शहर की टनल खोद डालते हैं। भाई यार ये क्या कह रहा है लेस्टर, ठीक है यार
ठीक है यार, ये भी सही बात है गाइस। ये देखो भाई, चाय ग्लास था ना भाई, बिल्कुल ही भाई पद्दू ग्लास। अब देखो कैसे फूट रहा है यार, ऐसे लग रहा है पप्पड़ तोड़ रहा हूँ। चलो ठीक है यार, लेस्टर भाई, लेस्टर से बातचीत वगैरह करते हैं एंड उसे बाय बाय करते हैं और थैंक यू वगैरह बोलते हैं। और ये देखो यार गाइस, मज़े आ चुका है। ठीक है यार लेस्टर भाई साहब, बहुत बढ़िया काम किया तुमने मेरे लिए। बट चलो यार गाइस, सब कुछ बात वगैरह कर दिया है और भाई ने बहुत हेल्प की हमारी। भाई बहुत खतरनाक बंदा है लेस्टर, अगर आप उसको जानते होंगे तो चैट पर लेस्टर ओपी लिख दो। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे पता चलेगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और वीडियो को 1000 लाइक जरूर कर देना। जैसे ही 1000 लाइक होंगे भाई, कल मैं वीडियो डाल दूंगा। यार प्लीज 1000 लाइक कैसे भी करके चाहिए, क्योंकि यार इतनी वीडियो डाल रहा हूँ एंड इतनी अच्छी स्टोरी आपको देखने को मिल रही है, बट लाइक नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दो यार। एटलीस्ट आपको नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओए डगन, काली बटी सिटी में छुप के बैठा है, दिल से बाहर निकल। अगर शेर गुफा से बाहर निकला तो पता है ना जंगल में क्या होता है। अच्छा मजाक कर लेते हो डगन, एक चांस दे रहा हूँ, बैठ के बात करते हैं और सारा का सारा मैटर खत्म करते हैं और फिर से हम मिलके काम कर सकते हैं। लगता है तू मुझे ट्रैप करने की सोच रहा है। नहीं डगन बॉस, कोई ट्रैप नहीं, हम दोनों मिलकर लॉस एंजेलिस में फिर से राज करेंगे और उस माइकल के बच्चे का गेम ओवर करेंगे। समझ मेरी बात और आजा लोकेशन। माइकल आजा, इस पतले हड्डी वाले को उसकी औकात दिखाते। सो चलो यार फटाफट से चलते हैं। एंड एक सेकंड गाइस, अभी ना मैं इनसे बात कर ही रहा था, मुझे अभी डगन बॉस का कॉल आया और वो कह रहा है कि देख भाई, तूने टनल के पास गया बट वो लोग पहले ही बाहर निकल चुके हैं, तूने गलती कर दी है। वो लोग टनल से बाहर निकल गए और अभी जो मास्क मैन है घोस्ट मैन, उसी का उसको कॉल आया था और वो कह रहा है कि हम लोग आपस में मिलते हैं और बातचीत वगैरह करते हैं और जो मैटर है ना भाईचारा निभाते हैं, मतलब दोस्ती वगैरह करते हैं। अभी डगन बॉस ने, मतलब जो घोस्ट मैन है उसने डगन बॉस को बुलाया, मतलब मुझे कॉल नहीं किया, डगन बॉस को कॉल किया है। ऑल राइट यार गाइस, मैं ना लोकेशन पे आ चुका हूँ, मुझे डगन बॉस ने ना लोकेशन सेंड किया था एंड वो कह रहा है कि तुम फटाफट से उधर जाओ एंड पता नहीं वहाँ पर कुछ मेरे बंदे टाइटन सिक्योरिटी, उनसे मिलो और बातचीत करो, मैं भी उधर आ रहा हूँ थोड़ा काम वगैरह निपटा के यार। तो मैं तो आ गया यार हेलीकॉप्टर में फास्ट वगैरह। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे लोकेशन दी यार कहाँ पे यार ये लोग, हाँ एक सेकंड चलो मुझे दिख तो गए नीचे। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पर इन्होंने प्राइवेट पार्किंग के उधर रुकाई है, पता नहीं यार ये प्राइवेट पार्किंग में बुला के क्या कर रहे हैं मुझे यार। चलो फटाफट से यहाँ पर लैंडिंग मैंने खतरनाक वाली करवा दी है यार, बस गड़बड़ ना हो जाए। वो कह रहा है कि जो घोस्ट मैन है ना, जो घोस्ट वाला बंदा है एंड घोस्ट मास वाला, अरे चिचा क्या हो गया, फेस दिए ना तुमको, अरे यार ये क्या बंदा है यार। चलो ठीक है यार गाइस, इनसे बातचीत वगैरह करते हैं और भाई साहब घोस्ट मास्क वाले से ना भाई मिलने वाले यार गाइस, भाई साहब समझ रहे हो, पता नहीं क्यों मिलने वाले। तो चलो यार इनसे ना फटाफट से बात करते हैं और ये क्या लोग कह रहे हैं मुझे नहीं पता, बैग पड़ा हुआ है, तो चलो यार बात करते हैं। ऑल राइट यार गाइस, इन्होंने मुझे बोला है कि देखो डगन बॉस जो है ना, सिर्फ डगन बॉस को ही वहाँ पर बुलाया है, कहाँ पर घोस्ट मास्क से मिलने के लिए, माइकल को नहीं बुलाया। तो तुम ये वाला पेन लो हमारे जैसे कपड़े, क्योंकि वो कह रहा है कि देखो डगन बॉस और वो बात करने वाले हैं, मतलब ये डगन का प्लान है, डगन नहीं चाहता है कि हमारी कोई फ्रेंडशिप में कोई टूटे, तो इसलिए सब तुम्हारे आंखों के सामने सब देखा जाए, समझ रहे। तो वो कह रहा है कि तुम मेरे साथ आओगे, डगन बॉस के साथ मैं उसके साथ जाऊँगा। अरे दरवाज़ा खोलो चिच्चा, सारे पैसे दिए ना तुमको, बहस किया दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है, कह रहा है कि इधर से आओ भाई। इसको पार्किंग के पैसे दिए किसके लिए यार, इसको एक बार काम होता है तो साले को फिर से आके मारता हूँ। अरे अब तो खोल दे चिचा यार, दरवाज़ा ही नहीं खोलता है चिचा का, इसको ना आके मारने वाला, सारा दिमाग खराब कर रहा है, स्टार्टिंग में आने नहीं दिया। और ये डगन बॉस का प्लान वैसे तो पता नहीं गाइस, इसको मारना है या बातचीत करना है, इससे यार अभी पता चल जाएगा। वो कह रहा है अभी लोकेशन नज़दीकी है, इधर ही कहीं आसपास में कहीं मीटिंग उसने रखी है, ठीक है ना, यहाँ पर ही कहीं मीटिंग है एंड भाई साहब उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम माइकल वगैरह हो। अच्छा तो यार गाइस ठीक है यार, अब मुझे नहीं पता भाई वो घोस्ट मास्क मुझे क्या करने वाला है, हम लोग गंदे वाले दुश्मन हैं। और वो डगन को समझा, आई थिंक वो मुझे लग रहा है ना, आपको पता है मार्टिन को जब से हमने मारा है ना, पर उनको लग रहा है कि डगन बॉस ने और हमने मिल के उसको मारा है। जब पहले ना मार्टिन और ये जो एगल है ये सब फ्रेंड थे पता है, और डगन भी उनका फ्रेंड था, बट बाद में जब से मार्टिन मरा है ना, उन्हें लगता है कि मैं और डगन बॉस मिल चुके हैं, अब तो सेम ही मिल चुके हैं। सो
भाई क्या हो गया यार, हमको अंदर जा रहा है गोस्ट मास से मिलने, ठीक है ना, हमें डग्गर बॉस के आदमी है। ये कह रहा है कि यार जब तक डग्गर बॉस नहीं आएगा तब तक तुम जा नहीं सकते हो अंदर, ठीक है ना, तो बाहर ही खड़े रहो, डग्गर बॉस के लेके आओ, और गन वगैरह भी इधर अलाउड नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है अंदर या दो बंदे जा सकते हैं, सब नहीं जा सकते। अरे ठीक है भाई, ठीक है ना, डग्गर बॉस के आने का वेट करते हैं यार, गैस अंदर जाने नहीं दे रहे, वैसे भी हम लोग जाके क्या करेंगे, वो मेरी आवाज़ पहचान लेगा भाई। ठीक है यार गैस, अभी ना मैं उसके सिक्योरिटी बन के जाने वाला हूँ उसके साथ में, एज ए मैनेजर बोल के कोई भी, सोच रहे यार अभी वेट ही करते अभी कोई हमारे पास। अरे भाई चला जाओ, तुम तो चले जाओ भाई, क्या ही वेट कर रहे हैं भाई, मुँह देख रहे हैं भाई, मैं मुँह तक खोल नहीं सकता इधर। अरे चले जाओ सर जी, इसको क्या बताऊँगा गैस, माइकल कौन है और इसका आवाज़, ठीक है ना यार, डग्गन जल्दी से आ जा फटाफट से यार, वेट नहीं हो रहा है मुझे, गोस्ट मास से मिलना, मतलब गोस्ट मास वाले महल से मिलना। सो चलो यार, अभी इंतज़ार ही करने के सिवाय ना कोई चारा नहीं है। अब मुझे नहीं पता कैसे इनकी बातचीत में क्या होने वाला है, मुझे खुद डर लग रहा है इस वो हमें मार ना दे, क्योंकि इसके पास भी बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक सिक्योरिटी वगैरह लग रही है, हमारे पास भी वैसे ख़तरनाक ही है। चलो यार देखते हैं एंड क्या होता है, नहीं पता। सो फटाफट से अभी इंतज़ार ही करना है डग्गर बॉस का, जल्द से जल्द आ जा भाई, इतने ज़्यादा लोग देख के तो भाई फट रही है हमारी भी। ऑल राइट गाइस, यार इतना देर करने के बाद फाइनली डग्गर बॉस आ चुका है, और उसको मैं बोलता हूँ कि मैं माइकल हूँ, वरना ये पहचान नहीं पाएगा, सबने एक जैसे मास्क वगैरह पहने, तो मैंने उसको बोल दिया मैं माइकल हूँ एंड मैं तेरे साथ आने वाला हूँ। तो उसने बोला कि हाँ, मैंने इसलिए तो तेरे को ये वाला सिक्योरिटी वाला गेटअप दिया है कि तू मेरे साथ चल सके, वरना माइकल होगा तो ये तुझे यहाँ पर ही मार देंगे। गाइस आपको पता है ये सारे के सारे फ्रेंड थे, डग्गन मार्टिन और ये क्रूजर और ये एगल्स, ये दोनों भाई और ये जो गोस्ट है, ये सारे मिलके पहले रहते थे ग्रुप बना के, पता नहीं इनका बहुत बड़ा वाला ग्रुप है। अरे भाई अभी तो जा सकता हूँ ना, ये डग्गर बॉस है भाई, ये अभी भी चेक कर रहा है डग्गर बॉस है कि भाई, चेक करने भाई, फ़ोटो वगैरह देख ले, फ़ोन वगैरह लगा के देख ले भाई, इसी को कुछ घंटा नहीं पता यार ये क्या सिक्योरिटी वगैरह लाया है भाई। चलो यार खतरनाक वाली एंट्री मार रहे सबके सामने से भाई, मुझे नहीं पता गाइस, अब ये लग रहा है ना माइकल के बारे में उसे कुछ भड़काएगा और कहेगा कि तुम मेरे टीम में आ जाओ, जैसे हम पहले थे वैसे थे भाई, अब मुझे नहीं पता भाई ये क्या ऐसी नहीं है। देखो भाई इतने सारे ऐसी भी और इनकी सिक्योरिटी देख रहे हो, इसके पास रोबोट सिक्योरिटी है एगल और इसका छोटा भाई, और आपको पता है गाइस अब ये पता नहीं एक नया बंदा आ गया भाई साहब, गोस्ट मास्क वाला, पता नहीं इसका नाम मुझे नहीं पता, बट इसको मैं अभी फ़िलहाल गोस्ट मास्क बोल रहा हूँ, और पता नहीं क्या बातचीत होगी भाई। अगर चांस मिला ना साले को यहाँ पे मार दूँगा, वैसे इसको मार के मैं क्या करूँगा, इसकी दुश्मनी तो है नहीं, ये बंदा बस उसकी हेल्प कर रहा है, दोनों जो भाई है ना उनकी हेल्प करने के लिए आया है वो, और मेरी कुछ उससे दुश्मनी भी नहीं वैसे तो, बट पता नहीं यार अगर दुश्मन है तो दुश्मन है। चलो यार गाइस, भाई साहब मैंने ना अभी यहाँ पे निंजा सिक्योरिटी को सब कुछ फिट करके रखा, ठीक है ना, आप मैं सोच रहे मैं इधर उधर क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर निंजा सिक्योरिटी को मैंने कॉल वगैरह सब कुछ करके रखा है, तो वो भी अगर कोई इमरजेंसी होती तो वो मुझे बचा लेंगी, और वैसे मैंने इतने ख़तरनाक वाले मास्क वगैरह आर्मर पहना है, और ये देखो भाई साहब गोस्ट मास्क भाई मेरे सामने खड़ा है, देख रहा हूँ कितनी ज़्यादा ही स्टाइल मार रहा है, हाथ दिखा रहा है भाई, बॉडी तो है नहीं, बिल्कुल ही पोपट लाल जैसा भाई साहब, क्या ही बोलूँ भाई। ठीक है ना भाई साहब, इतने गंदे वाले कपड़े पहने और क्या ही बोलूँ। सो गाइस ये देखो अभी वो स्टाइल ही मार रहा है भाई, फुगेरी मार रहा है, मतलब एटीट्यूड दिखा रहा है भाई, और डग्गर बॉस कह रहा है कि मेरे लिए ना नरम गत्ता ला ले फटाक से भाई, मेरे को क्या ही बात है भाई, डग्गर बॉस कह रहा है कि जब तक मेरे लिए गद्दा नहीं आएगा मैं बात नहीं करने वाला, भाई ये क्या चल रहा है अभी से भाई, गर्म वर्म वाला माहौल शुरू हो गया। अरे भाई डग्गर बॉस, अरे यार मैं कुछ बोल भी नहीं सकता गाइस, वरना मेरा वॉइस ये सुन लेगा और भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो कह रहा है कि चलो यार, उसने ना फाइनली गाइस ला ही लिया, और भाई डग्गर बॉस अपने बातों में ना भाई पीछे नहीं हटता है, अब उसने बात करना शुरू कर दिए, और गाइस ये लोग हाय वाय कर रहे हैं, पुराने बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार हम जिगरी यार थे पहले भाई, बचपन के यार थे, बता नहीं यार थे कि नहीं, सब लोग मिल के खेलते थे भाई साहब, और बढ़िया सा रूल करते थे, और ये अब कह रहे हैं कि भाई देख माइकल को अपने रस्ते से हटाना होगा, तुझे भी पता है इसने हमारे मार्टिन और क्रूजर को मारा है और बहुत बड़े अपने बड़े गैंगस्टर को मारा है, तो तुम ना भाई माइकल को ख़त्म कर दो पीछे से हमला करके यार गाइस। और डग्गन बॉस कह रहे हैं कि यार नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसका पीछा छोड़ दो और हमें हमारा जीने दो। ये कह रहा है कि यार देख जो मांस वाला बंदा है ना, ये कह रहा है कि अगर हम मिल गए ना
तो हम माइकल को भी हटा देंगे और लॉस सैंटोस, वाई सिटी, लिबर्टी सिटी, हमारे इतने सारे गैंगस्टर लोग हर देश में, मतलब हर सिटी में अवेलेबल है, तो सोचो हमारी कितनी ज़्यादा वाली पावर बनेगी। गाइस ये बंदा सोच रहा है कि मैं सबका लीडर बन जाऊँगा, बट यार डंकन बॉस भी इतना शातिर बंदा है ना, वो नहीं बोल रहा है, उसको भी चाहिए कि मेरी पावर चले। और एक सेकंड, ये भाई ये ना टाइटनर, ये तो डंकन बॉस का लग रहा है मुझे। ठीक है ठीक है, और ये कह रहा है कि हेलीकॉप्टर क्यों मंगवा लिया। हाँ ये कह रहा है कि यार हेलीकॉप्टर मेरी सेफ्टी के लिए मंगवा लिया। भाई ये यहाँ पर लगा, अभी गर्म वाला माहौल चल रहा है, डंकन बॉस इधर नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही नहीं। यार डंकन बॉस फिर आया क्यों इधर, यार हाथ मिला लेना, उनको पीछे से मार देंगे फिर। यार गाइस अब तो हंस रहा है भाई, डंकन बॉस कह रहा है कि देख मैं तेरे से डरने वाला हूँ नहीं, ठीक है ना, मेरा नाम डंकन है और मैं मेरे इशारों पर चलता हूँ, मैं किसी की बात सुनता नहीं हूँ। और ये बंदा कह रहा है कि यार मेरे बात सुन ले, हमारे साथ एगल के दोनों भाई और बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर अवेलेबल हैं, और तो उस गरीब माइकल के साथ अरे क्या कर लेगा बता। यार अभी भी डंकन बॉस हंसी रहा है, कह रहा है कि यार तू ना मजाक मत कर भाई अब ना गाइस, और देख रहा है, ये कह रहा है कि देख अब तू, तेरे पे गन पॉइंट रख रहा हूँ, अब तू बात मान ले। ये कह रहा है कि तू बस मेरे को मार के दिखा, अगर मैं सिक्योरिटी ने एक रोबोट डाल दिया ना, एक मिसाइल लॉन्च कर दिया ना, सब के सब मरेंगे। भाई यार मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं मुँह तक नहीं खोल सकता, अगर उसे पता चल गया ना मैं माइकल हूँ तो यार बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे लग रहा है मैं उसका मैनेजर हूँ, गेटअप वगैरह पहन के आया हूँ। यार गाइस वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है और कह रहे हैं कि यार डंकन यार आ जा हमारे फ्रेंडशिप में, आ जा फिर से हम मतलब तबाही वगैरह करेंगे लॉस सैंटोस में और माइकल को भाई भगा देंगे। बट डंकन बॉस यार भाई लग रहा है ना, चलो मैं एक सेकंड में मैसेज वगैरह कर देता हूँ हमारी निंजा सिक्योरिटी को। तो यार मैंने मैसेज वगैरह कर दिए है, एक सेकंड भाई। अरे सर जी क्या हो गया, तुम मेरे पे क्यों कर रहे हो भाई। कुछ नहीं यार, इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था बस, कुछ नहीं भाई, गुलाबी साड़ी वाला रील देख रहा था यार, आप अपना काम करो। चलो चलो यार गाइस ठीक है ना भाई साहब, यहाँ पे कुछ गर्मा गर्म वाला माहौल हो चुका है और पता नहीं यार क्या ही होने वाला है। अभी भी डंकन बॉस मानने को तैयार नहीं है, वो बहुत समझा रहा है और ये अब जा रहा है, पता नहीं भाई मुतने जा रहा है क्या भाई, उधर कहाँ जा रहा है ये भाई, लग रहा है धार मारने गया, पता नहीं गाइस कहाँ जा रहा है। चलो यार डंकन बॉस क्या हो यार, वो तो चला गया गाइस, पता नहीं पानी में जंप कर दिया, और यहाँ पर ना ये देखो कर दिए इन्होंने गाइस, इन्होंने ये बंदे आ गया औकात भाई, उसने दे दिया ऑर्डर मारने। चलो भाई कोई बात नहीं भाई, इतना खतरनाक वाला आर्मर पहना था भाई, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है मैं गार्डन पे चल रहा हूँ। ये देखो भाई इतने सारे लोग हैं, कोई ना भाई वहाँ से भी तुम लोग मरोगे और मेरी वहाँ से निंजा सिक्योरिटी भी आगे होगी, मैंने पहले मैसेजर के उन्हें बोल दिया था, वो लोग कहीं छुपे हुए थे। ये देखो भाई वहाँ से ना उनको पीछे से अलग वहाँ से पट रही है और मैं अलग इधर से उनको मार रहा हूँ भाई, कि बिल्कुल ही थर्ड पार्टी हो चुकी है भाई। ये देखो भाई ख़त्म है, और यहाँ से हमारे उनकी निंजा सिक्योरिटी, और ये देखो भाई इतना दम है तेरे में, चल निकल साल है। और एक सेकंड ये कहाँ जा रहा है, ये तो वही है ना, और एक सेकंड यार इसको मैं डंकन को बचा रहा हूँ यार कैसे, यार कोई बात नहीं भाई इसको मार दो भाई। वो बंदा आई थिंक बोट पर बैठा गया, मैंने आई थिंक कुछ बोट वगैरह देखी कहीं भाई, वो इतना लेट निकला है क्या वो। अरे भाई वो उधर से जा रहा है, इसकी भैंस की आग। अरे यार एक सेकंड यार गाइस इसको मारना था यार, बट ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, साले ने भाई फुल आर्मर वगैरह पहना था, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। आपने देखा है भाई उस बंदे ने इतना खतरनाक वाला आर्मर पहना है ना, आप लोग को लग रहा है मास्क वगैरह पहना है भाई, उस बंदा फुल आर्मर है। यार डंकन बॉस कह रहा है कि देखो उसने तो हमें मारना वैसे भी नहीं था, हमारा प्लान भी नहीं था, हम तो बस समझाने आए थे कि हमारा पीछा वगैरह छोड़ दो, एंड वो कह रहा है कि यार टीम में ले लो ऐसा वगैरह। तो यार ठीक है यार गाइस हम लोग उसके टीम तो ज्वाइन नहीं किए। एक सेकंड गाइस की बहस किया, अभी भी आ ही रहे क्या ये लोग, लग रहा है कुछ पचे पचे लोग हैं ना यार, इनकी बहस किया, कोई ना मारो मारो मारो, सालों की औकात दिखा दो सालों की गाइस, साल यार गाइस इन लोग का ना रोज का हो गया। पहले गाइस इतने ज़्यादा कमांडो कॉल इसने सेंड किए ना 150 वाले, अब वो कह रहा है कि 2000 लोग और आने वाले हैं। यार गाइस भाई 2000 कमांडो से हमें डरा रहा है भाई, तुम्हारे 2000 लोग हमारे 300 लोग ही काफ़ी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइस इनका ना सालों का गेम ओवर कर दो यार, चलो फटाफट से। निंजा सिक्योरिटी भी आ चुकी है और यहाँ पे ना टाइटन सिक्योरिटी भी है, सब अवेलेबल है भाई, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है इनको भी फिल देंगे, मिनी गन है यार अपने पास। ठीक है चलो फटाफट से, और कोई बचाएगा और कोई बचाए तो आ जाओ भाई, इसकी सारी की सारी बहस की आग। और ये हेलीकॉप्टर कब से उठ रहा है, नीचे उतर जाए प्लीज़ यार, इतना आवाज़ कर रहा है ना कसम से यार, नीचे उतार दो यार उसको भाई, आवाज़ कर रहा है। मिसाइल वगैरह छोड़ने का हमने उसको ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि हम लोग खुद पर जाएंगे अगर मिसाइल वगैरह छोड़ दिया ना,
फालतू का भाई इधर उधर एक लग गया ना मिसाइल, तो भाई फालतू का नीचे उतर जा यार, भाई फालतू का आवाज़ कर रहा है एंड भाई कुछ कर तो नहीं रहा है फालतू का, ठीक है ना। और गाइस और कोई है क्या भाई? ये देखो कोई मुझे लगा आई थिंक कोई है, चलो लग रहा है सब क्लियर है, कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है ठीक है सब क्लियर है। चलो यार गाइस फटाफट से डगर बॉस से कुछ बात वगैरह करते हैं और आगे का क्या प्लान है बात वगैरह करते हैं। और इनकी ना बहस की आगे नए नए कमांडो सेंड कर रहे हैं, पता नहीं भाई कहाँ से ला रहे हैं। और चलो यार इनसे फटाफट से बात करते हैं और डगन बॉस पता नहीं है इसके क्या कहने वाला है। सो यार डगन बॉस कह रहा है कि देख भाई अभी तो जाने दे, अब ना मैं कुछ प्लान वगैरह करना होगा घर पे जाके। और वैसे तो वो गच्चू बैठने वाला तो है नहीं गाइस, ठीक है ना, मतलब अभी ना उनकी प्रॉपर्टी जितनी भी कार वगैरह है भाई सब कुछ ब्लास्ट कर रही है। एक सेकंड ये क्या भाई मच्छी पकड़ रहा है भैंस की, आगे इंजॉय कर रहा है व्यू को, यहाँ पे मुहर्रम पीट हो रही है। तो भाई एक काम करते हैं, डगन बॉस ने बोला इनके सारे के सारे ना कार वगैरह उड़ा दो भाई, ठीक है यार ये तो बढ़िया आइडिया है। इतनी सारी ऐसी भी लेके आया भाई ये बंदा, पता नहीं क्या सोच के भाई। वैसे इतने सारे लोग आए तो भाई पैदल तो आए नहीं होंगे, तो भाई इतने ज़्यादा ऐसी भी मैं एक बंदे में चार चार गाड़ी में आया क्या भाई? हम लोग तो लटकते हुए आ जाते यार, ट्रक में आ रहे हैं हम लोग। इसकी बहस किया कितना पैसा है इन लोग के पास भाई, इतने बड़े वाले माफिया है ना ये लोग, क्या ही बोलूँ यार कसम से इतने बड़े वाले माफिया है। मतलब क्या बोल रहा था भाई, मतलब लॉस सैंटोस, वाई सिटी, लिबर्टी सिटी और पता नहीं कौन कौन से शहर के नाम दे रहा था। कह रहा था कि सब पे हमारा इलाज होगा, हमारे टीम में ज्वाइन कर लो और बड़े बड़े गैंगस्टर भी हमारे टीम में काम करते हैं, मतलब डगन बॉस के जैसे बड़े बड़े लोग। और वो कह रहा है कि हमारे ग्रुप में ना भी अंडर वाटर ग्राउंड माफिया भी, मतलब पता नहीं कौन सा माफिया है वो अंडर वाटर वाला, वो भी ज्वाइन होने वाला है और बहुत सारे लोग हमारे टीम में आने वाले हैं। भाई ये बंदा ऐसा ग्रुप बना रहा है ना जो सिर्फ पावरफुल लोगों का है भाई, मुझे नहीं बुलाया साले ने, बट चलो यार इसका भी गेम ओवर कर देंगे। तुम भाई बनाते जाओ, तुम्हारा एम्पायर खड़ा करो भाई, हम वो एम्पायर को गिराने की हेल्प करेंगे। और कोई बात नहीं, आगे जाके ना भाई माइकल का एम्पायर चलने वाला है पूरे लॉस सैंटोस में, क्या भाई वाई सिटी, लिबर्टी सिटी, हर जगह माइकल के नाम से लोग कांपेंगे। तो चलो अभी करते हैं 1, 2 और 3। ओ भाई 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 डगर बॉस की फट गए भाई, आगे तो चला गया उसके भाई, कुछ फटा नहीं यार, चार पांच यार गैस तीन चार भाई ये फटे नहीं, फुस हो गए। कोई बात नहीं, इनको हम लोग आरपीजी से उड़ा देते हैं भाई, यहाँ पर एसटी की बॉम्ब फुस ही निकले, मतलब ठीक है यार। चलो 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 इसके बहस की आग चल निकल भाई साहब, ख़त्म है यार गैस। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं गैस भाई, ये जितने भी हमारे दुश्मन है भाई सबकी प्लानिंग वगैरह करके, इनके बिजनेस वगैरह करके लिबर्टी सिटी, वाई सिटी में जाके इनके जो भी है ना भाई हर चीज़ डिस्ट्रॉय करते हैं, जो भी इससे पैसा वगैरह कमाते हैं, ठीक है समझ रहे हो, मतलब इनको कर देंगे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ला लेंगे। जितने भी गैंग वगैरह रन कर रहे हैं ना भाई सब ख़त्म करेंगे, इन्हें जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे हर शहर हर देश से, समझ रहे हो। इतना कैसे अपने को पावरफुल बनना है भाई, अपने को बनना है इस शहर का माफिया, और नहीं बने तो हम लोग प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। और क्या ही बोलूँ गाइस, एक सेकंड ये पुलिस की आवाज़ भाई, पुलिस क्यों आ गई? अरे भाई भाई पुलिस क्यों आ गई गाइस? अरे इन्हें पता नहीं कि मैं माइकल हूँ यार, ठीक है छोड़ो 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 गाइस, मैं नहीं चाहता कि इन्हें अगर पता चल गया मैं माइकल हूँ तो ये मुझे अभी छोड़ देंगे, क्योंकि आपको याद है भाई मैं कौन हूँ गाइस, हमें प्रेसिडेंट के फ्रेंड और माइकल आपको पता है, जिसने प्रेसिडेंट की जान बचाई और बहुत ज़्यादा ही लोगों की हेल्प की। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे भाई हमारे इंटरव्यू में, और लोग अपने को माइकल द हीरो के नाम से जानते हैं लॉस सैंटोस में। सो गाइस मैं नहीं चाहता कि उनको बोल दूँ कि मैं माइकल हूँ और ये लोग मुझे छोड़ भी देंगे, बट साथ में मेरा डगन बॉस है जो कि बहुत बड़ा वाला माफिया है। अगर जो है ना प्राइम जो प्रेसिडेंट है उसे पता चल गया मैं इससे लिंक करता हूँ, मतलब इससे मिला हूँ, तो क्या पता वो मुझे ना जितनी गाइस वो करता है ना लगा अब छोड़ देगा, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए। सो गाइस चलो ये जो बोल्ड कार है ना भाई डगन बॉस की है, सो फटाफट से डगन बॉस को अपने को बचाना है, वरना ऐसा ना हो कि यार प्रॉब्लम हो जाएगा सब लोग प्रेसिडेंट की ओर से फंस जाए और डगन बॉस को फंस जाए, तो मैं नहीं चाहता। तो यार तुम लोग फाइट करो, रेड इंजन को मैंने बोल दिया और फटाफट सीधे से निकल जाओ, क्योंकि यार यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही तबाही वगैरह हो गई, तो यहाँ पर देख सकते हो यार ब्रिज वगैरह है, तो पुलिस वगैरह आ गई, किसी ने कॉल वगैरह कर दिया भाई, और यहाँ पे देखो अभी भी फाइट चली रही है, लोग रो ही रहे। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, अंदर आने नहीं दिया था पुलिस को, वरना भाई सारी की सारी पुलिस अंदर आ जाती। चलो चलो भाई गेट खुलता ही नहीं यार, खुल जा यार प्लीज़, खुल जा खुल जा खुल जा, सिम सिम इसकी भैंस की आगे ये खुलने वाला नहीं है। चलो खुल गया खुल गया, बहुत अच्छा काम किया भाई इसकी आग, चल निकल
और फटाफट से भाई पुलिस को भाई छुटाना पड़ेगा, और गाइस मतलब क्या कहते हैं इसको हटाना होगा, और फटाफट से ना भाई जो डग्गर बॉस है उसे सेफ जगह पे ले जाना होगा। और ये देखो अपनी पार्किंग का एरिया भाई, अरे गेट अब ये खोलेगा कि नहीं भाई, ये बहुत छपरी इंसान है भाई, दिख नहीं रहा, वरना साले को यहाँ पे गोली मार देता, पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है साला, कोई बात नहीं जाने दो। और भाई ये देखो पुलिस आ ही जा रही है भाई, लग रहा है आज पकड़ के लेंगे भाई इनको, पता नहीं डग्गर बॉस कौन है। वैसे भी अगर ये लोग डग्गर बॉस के भाई पकड़ने वाले हैं, वैसे भी डग्गर बॉस का गेम खत्म हो चुका है, लॉस एंटर्स में उसकी इतनी पावर अब चल नहीं रही जितनी पहले चलती थी, अब इतनी ज़्यादा माफिया आ चुके हैं ना भाई, हर शहर में भाई माफियाज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी सबकी पावर इतनी हो गई है कि अब डग्गर बॉस की भी पावर कम हो रही है, मतलब समझ रहे, मतलब डग्गर बॉस को अभी हल्के में सब हर बंदा हल्के में ले रहा है, वरना पहले डग्गर बॉस का नाम बहुत चलता था, बट आजकल ना अभी डग्गर बॉस का नाम कम हो गया, क्योंकि आपको पता है भाई वो काम हमने ही किया है, डग्गर बॉस को लॉस एंटर्स से हमने ही भगवाया, लिबर्टी सिटी मतलब वो जाके रह रहा है बेचारा, मतलब लॉस एंटर्स से हमने कितना उसका मतलब नुकसान वगैरह किया, उसके सारे बिजनेस वगैरह हमने फोड़े, बट आज ना वो मतलब हमारा दोस्त अभी बन चुका है, पता नहीं यार वो बंदा सच का दोस्त बना या फेक, मतलब फेक फ्रेंडशिप कर रहा है, मुझे नहीं पता यार, आप लोग चैट में बताओ, और आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो क्या लगता है आपको, डगन अपने साथ ट्रू फ्रेंडशिप कर रहा है या फेक फ्रेंडशिप, तो आप लोग चैट में लिखना ट्रू या फॉल्स, मतलब ट्रू या फॉल्स फ्रेंडशिप जो भी है ना, फेक फ्रेंडशिप चैट में लिख देना, तो मुझे समझ आ जाएगा। और इसकी बहस की अब ये देखो यार, ये देखो पुलिस साहब भी पीछे पड़े, और भाई ये कार को भाई डैमेज इतना हो गया बट कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है यार गाइस, कैसे भी करके बचना होगा भाई, मुझे लग रहा है ना आज डग्गर बॉस कह रहा है कि यार कैसे भी करके मुझे इधर से निकाल दिया, अगर मुझे जेल में चला गया ना तो भाई अभी मेरे पास इतनी पावर भी नहीं है कि मैं जेल से बाहर निकल सकूं। अरे तू टेंशन मत ले यार, जेल से मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा, बट मास्क के अंदर रहते हुए निकालना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल है। ये कह रहा है कि यार तू ऐसे भी कर सकता, मेरे पास बहुत ज़्यादा ही पावर है भाई, पावर तो मेरे पास मतलब एज अ फ्रेंड है ना, मतलब मैं तुम्हें ना प्रेसिडेंट हूँ कि भाई एक बोलने पे तू बाहर निकल जाएगा, प्रेसिडेंट मेरा फ्रेंड है ना कि मैं प्रेसिडेंट। सो यार कोई बात नहीं, ये कह रहा है कि अगर मैं जेल में चला गया ना भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और जितना भी अपना एम्पायर खड़ा है लिबर्टी सिटी और वाई सिटी में सब खत्म हो जाएगा भाई, मैं एक मामूली इंसान बन जाऊँगा, और पहले ही गाइस इतना ज़्यादा नुकसान तूने मेरा कर दिया है, अब मैं नहीं चाहता कि मैं जड़ से उखड़ जाऊँ भाई, अब क्या करूँ गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इसे बचाना होगा कोई बात नहीं, और ये पुलिस वालों से छुटकारा पाना होगा। सोचो यार कोई ना गाइस चेस करते थोड़ा सा, करने तो भाई पुलिस को आने तो पीछे से, ठीक है आ जाओ यार कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाओ गाइस, इनको भी दिखाएंगे माइकल दी सेंटा है कौन, इनको लग रहा है कि माइकल को पकड़ लेंगे, बट इन्हें नहीं पता ना मैं माइकल हूँ, मैंने भाई गेटअप लिया है, वरना माइकल होता तो भाई पुलिस आती भी नहीं, और ना ही अगर हम लोग ज़्यादा बड़ा क्राइम करेंगे तो पुलिस तो पकड़ेंगे, बट बाद में हम लोग छूट जाएंगे भाई समझ रहे, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट अपना फ्रेंड है भाई, ठीक है ना, जेल में डालेंगे बट बेल वगैरह मिल जाएंगी आराम से भाई। और ये देखो भाई ये पुलिस, और ये जो पुलिस के कार वगैरह है ना भाई, ज़्यादा ही लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहे हैं जब से ये बंदा शेख आपको याद है, अगर आपने मेरी वीडियो वगैरह देखी है तो भाई इसने गवर्नमेंट से डील करके रखी है कि भाई सारे पुलिस वालों को सुपर कार दी जाएगी, और ये बंदा सस्ते में सबको सुपर कार दे रहा है, और भाई साहब उसका ना बिजनेस बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, हमारे शोरूम से भी ज़्यादा। सो यार अभी मुझे भी उसे कुछ करना होगा, और भाई अगर उसका शोरूम बंद हो गया ना तो भाई मेरा बिजनेस बहुत चलेगा, बट यार वो भी मेरा फ्रेंड है यार, बट कभी कभी सोचता साले का। ये देखो भाई चाय गाड़ी चला रहा हूँ बस भाई, कसम से भाई रिवर्स कार चला रहा हूँ भाई, दोनों ट्रक्स आ गए सामने यार भाई, मुश्किल लग रहा है भाई, लगता है जेल में जाएगी आज भाई, मैं पकड़ ले जाना चाहिए, मतलब भाई मेरा तो लूट जाएगा भाई, बंदे बोलेंगे यार ये तो हीरो था, एंड ही क्या सीन हो गया भाई मास्क के अंदर, यार मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ ले जाऊँ, और कैसे भी करके यार इधर से निकल जाऊँगा फटाफट से, चलो भाई फटाफट से भाई, अब तो निकल जा भाई, ये हाईवे क्यों हो रहा, अभी मेरे को ऐसी जगह जाना है जहाँ पुलिस आसानी से मुझे ढूंढ ना सकती, समझ रहे। सो अभी कोई ना, अभी तो मैं आउट ऑफ सिटी आ चुका हूँ, तो अभी यहाँ पे ना पुलिस कम हो जाएगी, रेंज कम हो जाएगी, समझ रहे हो, तो इसलिए मैं आउट ऑफ सिटी आ चुका हूँ इधर, और थोड़ा सा दूर और दूर जाना है फिर गाइस, समझ रहे, ठीक है साला गया भाई, कसम से ना ऐसी गोली चला रहे हैं, ठीक है भाई, कार का हाल देखो एक बार कसम से, डग्गन देखो भाई, मतलब डग्गन कह रहे कि जल्दी कर यार मुझे सिगरेट वगैरह पीना है और खाना भी खाना है, अरे सर जी खाना खा लेना यार, अभी तो
पुलिस की भाई डंडी नहीं खानी तो भाई निकलना तो पड़ेगा ना। ठीक है यार, वो कह रहे कि जल्द से जल्द भाई सेफ जगह ले जा। भाई ले जा रहा हूँ यार, ले जा रहा हूँ भाई। मैं खुद अभी पुलिस से परेशान हूँ, अभी इतनी ज़्यादा पुलिस आ रही है, इतनी पुलिस तो होती भी नहीं है। बट चलो कोई ना गाइस, अब तो हम आउट ऑफ सिटी थोड़ा आ चुके, अब थोड़ी सी पुलिस कम नज़र आ रही है, दिख रही है ना, पुलिस कम हो गई अभी। ये टैक्सी वाला इतना फास्ट भगा रहा है, इसे पकड़ो यार, चलान काटो इसका। चला भाई साहब कितने के 200 की पार की स्पीड चला रहा है। नहीं चलाएंगे, नहीं काटेंगे भाई, हमारा ही काटेंगे भाई, मरने के बाद भी जिंदा हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, साला बैस की अब चल तू लो, ये ले चल निकल साला। और ये देखो एक और आ गया भाई, ये सुपर कार का नतीजा देखो भाई, इतनी जल्दी चेस कर रहे हैं। कोई ना गाइस, अभी मुझे एक गली को ऊपर में जाना होगा, अच्छा मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये एक सेकंड, इधर पुलिस वगैरह लग रही है, मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी होगी एंड थोड़ी सी स्पीड। और गाइस एक रास्ता मिल गया, जैसे टर्न मार लूँ आराम से, पुलिस को पता ही नहीं चले कि मैं कहाँ चला गया एंड कहाँ गया। तो ऐसी जगह मिलना मुश्किल ही नहीं, मुश्किल लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 आराम से आराम से आराम से आराम से गाइस, इधर से टायर राइट मार पाऊँगा, इधर से राइट, क्योंकि इधर से ना सामने पुलिस थी, वरना और चेस करना होता ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ऑल राइट, पुलिस थोड़ा सा गाइस कम हो चुकी है यार। ये राइट से कहाँ से आ गए भाई, ये दो आ गए यार। ये देखो भाई पूरी की पूरी टोली आ रही है भाई, जाएंगे कैसे? गद्दन कुछ कर यार, अभी आपकी आर्मी वगैरह बुला लो। ये कह रहे हैं कि देख अभी तुझे पता है अपनी लॉस सैंटोस में इतना पावर है नहीं, और ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि अभी मैं अभी इधर आया हूँ, मतलब इधर ही बिजनेस वगैरह करूँगा, बहुत कुछ करूँगा। आपको पता अभी लॉस सैंटोस में इसका कुछ भी नहीं है भाई, तो ये रिस्क लेना नहीं चाहता है। ठीक है यार कोई बात नहीं, रिस्क मत ले भाई, अभी कुछ एम्पायर वगैरह बड़ा कर एंड बिजनेस वगैरह कर, मैं कुछ नहीं करने वाला तेरे बिजनेस को। अगर तू मेरे साथ कुछ करेंगे तो भाई फिर समझ जाओ ऐसे इसका हाल, पहले जैसे मैं ख़त्म कर दूंगा, वरना ये बंदा मेरे हाथ से मरने वाला था। बट यार पता नहीं हमने इसके दोस्त कैसे बन गए, आपने वीडियो देखी मेरे आपको पता होगा भाई। तो चलो यार वो मैं बोलूँ मैंने फिर से, ठीक है आप वीडियो देख लेना जाके, पूरी देखना। और कैसे यार इनसे कैसे छुटकारा पाओ यार, इधर से भाई एक आधी छोटी सी रास्ता वगैरह गली वगैरह तो होनी चाहिए यार। ये ट्रक वालों का क्या सीन है भाई, भाई ट्रक वालों का क्या सीन है भाई, ठोके रहे भाई साले, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और कहाँ से जाओ, आई थिंक मुझे ना ये इधर से कहीं जाना चाहिए। अरे ये ट्रक वालों का क्या है भाई, रन एंड भाई साहब हिट एंड रन वाला केस कर दूंगा सालों में, 50 लाख भरने पड़ेंगे तेरे को, क्या ही बोलूँ। ये ट्रक वाले ज़्यादा ही कर रहे हैं भाई इधर भी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस का ही थोड़ा सा नज़दीक है भाई, थोड़ा सा नज़दीक, ऐसी जगह जहाँ पर हमें पुलिस मुझे लगता नहीं पकड़ पाएगी। तो चलो गली तो आ गई, इधर पूरी छोटी सी गली है, और यहाँ पे इससे आई थिंक पुलिस भी नहीं है। एक और गली, चलो एक और गली छोड़ के मतलब दो गली हो गए। अब भाई साहब पुलिस को थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी लगा लेता हूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ पे पुलिस वगैरह आएगी, क्योंकि मैं उनको लगेगा मैं इधर राइट या लेफ्ट गया हूँ। यार डग्गर बॉस कह रहा है कि यहाँ पे क्या गाड़ी पार्क कर दी, गाड़ी भगा। अरे यार डग्गन मेरी बात सुन, भागेंगे तो भाई ज़िंदगी भर भागना पड़ेगा, अभी तो इधर रुकना ही होगा भाई, कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो। अभी इधर हेलीकॉप्टर वगैरह भी दिख नहीं रहा है, अभी वो लोग ढूंढेंगे गाइस, ठीक है ना। अभी आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ तो आ रही है, ठीक है ना, आवाज़ आ रही है, आवाज़ तो आ रही है बस। अरे भाई 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 फट गए मेरे फट गए थी। अरे भाई वो जा रहा है सीधा, टग्गर बॉस कह रही थी यार, क्या भाई साहब क्या ही बोलो गाइस, सच में ना टग्गर बॉस की धड़कन भाई इतनी बढ़ गई थी, वो कह रहा है कि भाई गेम ओवर है भाई। भाई मुझे भी फट गई थी भाई, मैं बोला यार यार पुलिस चला जा प्लीज यार, ये लोग इधर कहीं ढूंढेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर निकल जाएंगे। और गाइस यार बस थोड़ा देर और गाइस, इन्वेस्टिगेशन इनकी होनी चाहिए ख़त्म, बस यार गाइस इधर से निकल जाए। और भाई ये इसने भी देखा नहीं, कसम से ये क्या, ओ भाई इसने भी देखा नहीं, डगन बॉस कह रहा है कि यार तूने कुछ जादू किया कि इनविजिबल वाला, भाई मुझे कुछ नहीं पता भाई, मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है, पुलिस ने देखा नहीं भाई, वो सीधा जा रहे हैं भाई एक के पीछे एक चीटी के जैसे भाई, ऐसी पुलिस हो ना भाई, ये सेफ नाटक कर रहे हैं। ओ भाई एक सेकंड दो आ रहे। अरे यार देख ना ले यार गाइस, गए भाई पानी में गए, डगन बॉस कह रहा है कि थोड़ा सा पागल है क्या, गाड़ी पीछे लेके आगे ले ली भाई, मुझे क्या पता वो वापस आने वाला है भाई, इन्हें मारना पड़ेगा कैसे, वो देख लेंगे गाड़ी पीछे। अरे भाई गाड़ी, अरे यार गाइस
भैंस की आंख वो देखो, उसे पता ही नहीं कौन क्रिमिनल है भाई। भाई उनको पता ही नहीं है गाइस, उन्होंने देखा ही नहीं है भाई वो रिएक्ट कैसे किया। देखा आप लोगों ने, वो सिर्फ ऐसे ही भाई वो इनके पीछे मैंने बॉम्ब वगैरह रख दिया है भाई, मरे कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने भुक्का वगैरह मारा है बट मैंने बॉम्ब गिरा दिया उधर। भाई उन्हें पता ही नहीं माइकल मतलब कौन क्रिमिनल है, एंड वो ऐसे मतलब फर्जी वाले पुलिस है, समझ रहे हो? उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं, वो बस ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, ड्यूटी कर रहे हैं भाई। भाई ऐसे पुलिस है ना भाई, रिश्वत वाले पुलिस है ये लोग भाई, बहुत अच्छा काम है। उन्हें पता ही नहीं किसके पीछे लगना है, क्या करना है। चलो ठीक है यार गाइस, कोरोना वाले पुलिस लग रहे हैं मुझे तो। और फटाफट से इसको छोड़ते हैं गाइस, एंड अपना अपना काम पे लग जाते हैं और अपना अपना गेटअप लेते हैं। ऑलराइट गाइस, यार फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं हमारे न्यू वाले मेंशन पे। आपको पता है हमने न्यू वाला मेंशन बाय किया था, और यहाँ पे हम लोग ने हमारे न्यू सिक्योरिटी RSVP की सिक्योरिटी लगवा दी थी। और हमारा जो न्यू ऑर्डर आने वाला था ना, आप लोग ने बोला था यार ये वाला जेट लो, और मैंने आपसे पूछा था इसमें से आपको कौन सा भी एक लेना है, क्योंकि अभी अपने पास फ़िलहाल ना कैश में मनी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ गोल्ड बचा है। सो गाइस, तो अभी ना हमने एक आपने जो बोला था वो परचेस तो कर लिया है, तो आप लोग ने बोला था कौन सा वाला, आप खुद अपने आंखों से देख लेना मैंने कौन सा वाला बाई किया है, क्योंकि मैंने बोला था जिसको ज़्यादा वोट आएगा मैं वो परचेस करूँगा। अगर आप मेरे को बोलते हो दूसरे वाले भी परचेस करो, तो आप पिछले वाले वीडियो में देखना भाई, इतने बढ़िया बढ़िया वाले जेट्स अवेलेबल थे ना, सो ज़रूर जाके देखना। और मेरे को भाई सबसे ज़्यादा वोट आएगा इस ये वाले जेट को, एंड इसका नाम है बैट विंग। गाइस ये देख रहे हो भाई, बैट विंग मैंने खरीद लिया। इसका जो स्टाइल है ना भाई, बिल्कुल जो बैटमैन है ना भाई, उसके बेस पे डेवलप किया हुआ है। तो यार ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका पावर क्या है, इसकी शक्ति क्या है, एंड ये क्या क्या कर सकता है, एंड इसकी स्पीड तो बहुत है वैसे। सो गाइस चलो ना इसके एक बार टेस्टिंग वगैरह करके दिखाता हूँ। मैंने आई थिंक इसकी टेस्ट वगैरह पिछली वीडियो में नहीं की थी, सो एंड फिर भी आप लोग ने बोला है कि ये वाला परचेस करो, एंड इसका डिज़ाइन देखे ना भाई, मज़ा ही आ चुका है यार। इस कसम से इसका डिज़ाइन वगैरह देखो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसका एक बार मैं टेस्ट वगैरह करके आपको दिखा देता हूँ, एंड इसका लुक देख रहे हो बिल्कुल ही बैटमैन के जैसे लग रहा है, मतलब जैसे भाई बहुत ही बढ़िया। इसके ना एक सेकंड में चलो ठीक है, सब कुछ ऊपर कर दिया टायर वगैरह, और ये कितना ऊपर जा रहा है, इसके टेस्टिंग वगैरह सब कुछ मैं करने वाला हूँ भाई। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लुक देख रहे हो यार, कसम से ना भाई आग लग रही है, मतलब भाई ऐसे लग रहा है ये जेट वगैरह है नहीं भाई, ये कोई UFO वगैरह आया है। सो यार आपको कैसे लगा ज़रूर बताना, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट में बैट लिख देना, तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। प्लीज़ वीडियो को 1000 लाइक ज़रूर करना, और यहाँ पे मैं इसका फायर कर रहा हूँ, ये देखो गाइस फायर तो एकदम बढ़िया हो रहा है, एंड रॉकेट की टेस्ट करेंगे, और इसमें बहुत बढ़िया वाले रॉकेट्स अवेलेबल है, बॉम्ब पैच बोलते आई थिंक उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, आपको मैं दिखा दूंगा। ये तो नॉर्मल है यार, ये तो हर चीज़ में होती है, और ये तो हर चीज़ में होता है, बट इसमें ना कुछ स्पेशल है भाई, मतलब बॉम्ब के बहुत सारे गाइस पैक होते हैं वो एक साथ छूटते हैं, उसका मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। पहले ये वाले नॉर्मल वाले आप देख ही लिए, ठीक है, तो नॉर्मल वाले पावरफुल होते हैं वैसे, बट जो है ना भाई खतरनाक वाले भाई, बॉम्ब की तरह नीचे गिरते डायरेक्ट ज़मीन पर जाके फटते हैं, सो जिससे ना भाई पूरे घर हर चीज़ टूट जाती है, मतलब समझ रहे। सो चलो वो वाली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एंड अभी तो आपने ये देख ही लिया है, देख लो भाई ये तो छोटे वगैरह रॉकेट है जो कि पीछे वगैरह लगते हैं, ठीक है ना। सो चलो यार गाइस फटाफट से आपको वो दिखाता हूँ, बट मुझे उसके लिए एक बढ़िया सी जगह ढूंढनी पड़ेगी, अगर मैं यहाँ पे वगैरह कुछ छोड़ दिया ना प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, पुलिस वगैरह लग जाएगी। तो यार मैं ना एक सेफ जगह पे आ चुका हूँ, ये देख लो पहाड़ों पर, वरना रोड वगैरह पे गिराऊंगा ना पुलिस वगैरह लग जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि पुलिस पीछे लग जाए। सो गाइस ये देखो मैं बॉम्ब गिरा रहा हूँ, ये देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक सेकंड मैं जूम करता हूँ, ये देखो भाई ये ऐसे वाले रॉकेट्स इसमें से निकलते हैं, और एक बार गिराता हूँ भाई, एक सेकंड रुकना भाई, थोड़ा सा मैं ना जूम के चक्कर में कहीं और ही ले गया, और ये देखो नीचे से गिर रहे, दिख रहे हैं कैसे गिर रहे हैं भाई साहब, ऐसे वाले गिरते गए जिससे ना हम लोग हमारे जो एनिमी का बेस है भाई वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स में। सो यार ये इसकी स्पेशलिटी है, मतलब कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। ये देख रहे हो मैं गिरा रहा हूँ ड्रॉपिंग बॉम्ब्स, ये देखो भाई साहब ऐसे लग रहा है ना बिल्कुल रियल वाला वॉर चल रहा है, देखो कितना आगे आ गया था मैं उसके भाई, कसम से भाई मैं जब जूम किया ना तो कितना आगे चला गया, अभी भाई पुलिस पीछे ना लग जाए यार,
बस मेरे को इसी बात का डर है, क्योंकि आपको पता है हमारे दुश्मनों के पास भी जेट है और वो उसने हमारे जेट से कितने लोगों की जान ली, तो इसलिए मैंने सोचा हम भी यार जेट वगैरह परचेज करें। ये देखो भाई कितना दूर से गिर रहा है एंड बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना, ये देखो कितना बड़ा वाला ब्लास्ट हुआ है और मैं जितने आगे आ गया था आप लोग देखो। सो गाइस फटाफट से इसको लैंड वगैरह कर लेते हैं यार गाइस, ठीक है ना, बहुत दूर आ गए थे हम लोग और इसको मैं इधर ले आया हूँ। चलो इसको फटाफट से आराम से लैंड करते हैं और जो भी अपने सिक्योरिटी में बढ़िया चलाता है ना उसको देना पड़ेगा, क्योंकि इसको चलाना भाई बहुत मुश्किल है यार, इसको कंट्रोल ना बिल्कुल अलग है। चलो फटाफट से इसको लैंड वगैरह करवा देते हैं और अपने को ना अभी बहुत सारा कैश अवेलेबल करना है, क्योंकि आपको पता है अपने पास कैश बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कैश ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ऑनलाइन कैश है। तो मैंने इसकी पेमेंट पे ऑनलाइन की थी, उसने यहाँ पे लाके उसका जो आदमी था उसने यहाँ पे डिलीवरी कर दी उसकी, तो अभी अपने पास पैसा हो चुका है ख़त्म, ज़ीरो रुपीज़ है अकाउंट में, कितना है ज़ीरो। तो अपने पास अभी है गाइस कैश वगैरह मतलब तो नहीं है, बस गोल्ड वगैरह है जो कि बहुत है। और अभी ना आपको पता है जो हमने गोल्ड माइन से जहाँ पे टनल थी ना उसमें से बहुत वगैरह ड्रग्स वगैरह आपको पता है वो बिजनेस करता है एंड गोल्ड माइन है गोल्ड को पिघलाता है, तो वहाँ से हमने सारा का सारा, वैसे गोल्ड तो नहीं था वहाँ पे बट ड्रग्स के बहुत सारे बॉक्स वगैरह थे, तो हमने सारे के सारे मैंने अपने सिक्योरिटी को बोल के भाई रेट इंजा के सिक्योरिटी जो बेस है ना अपना बंकर वहाँ पे भिजवा दी थी। तो चलो अभी फटाफट से मैं वहाँ पर ही जा रहा हूँ एंड बहुत सारा गोल्ड है ना भाई उसको कन्वर्ट करेंगे कैश में, तो चलो सो फटाफट से चलते हैं। ऑल राइट गाइस फाइनली आ चुके हम लोग इधर ही एंड हमारे बंकर की ओर और यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा जो कैश है ना उसको कन्वर्ट करना है। आपको मैंने बोल ही दिया, फिर से नहीं बोलूँगा, सॉरी उसके लिए, पता लगा भूल गया। एंड फटाफट से अंदर गाड़ी को पार करता हूँ किसी को पता ना चले। भाई सब कुछ बढ़िया सिक्योरिटी यार गाइस, सबसे भरोसे लायक भाई मैंने आज तक किसी को, भाई निंजा सिक्योरिटी किसी पर मैंने किसी सिक्योरिटी में भरोसा नहीं किया है, ना ही बनकर को यहाँ तक अंदर तक किसी को आने नहीं दिया है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है ना भाई इतनी भरोसे के लायक है मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब क्या ही बोल गया। यहाँ पर दूसरी सिक्योरिटी को मैंने अभी तक कदम तक रखने नहीं दिया क्योंकि भाई मैं भरोसा करता ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई निंजा पे भरोसा करता हूँ क्योंकि निंजा का भी अपना खुद का रूल तोड़ता नहीं। यहाँ पर ये कितने हैं एंड टोटल ये 10, ठीक है टोटल 10 है, मतलब जो होते हैं ना रैंक होते हैं वो टोटल 10 है, तो यहाँ पे भी आते हैं कितने रैंक एक बार देख रहे हैं 3, 6, 7 चलो और ये 3, 10 तो टोटल गाइस 10 है, मतलब टोटल 20 हमारे पास रैंक है, रैंक के अंदर सोना है, तो हम लोग को भी 10 रैंक एक रूम में जितने हैं ना सब कुछ बेचना होगा, ठीक है। तो हमें अभी लिबर्टी सिटी जाना होगा उसके लिए, क्योंकि अभी लॉस एंजेलिस में कोई अवेलेबल तो है नहीं जो लेगा हमसे गोल्ड। और मुझे ना वैसे भी गाइस डगर बॉस ने बोला था जितना भी कैश है ना तुझे अगर चाहिए कैश तो भाई लिबर्टी सिटी आ जाना, मैं तुझे कर दूंगा तेरा काम। भाई रेड निंजा का आ गया, मैं उसे पूछता हूँ यार, ये कह रहा है कि रेड निंजा तो वहाँ पे है पीछे के वाले ग्रुप में। अच्छा ठीक है यार, मुझे लगा इधर ही होगा क्योंकि इसका मैंने उसको पता गया ये वाला जो बनकर है उसके हवाला कर दिया है, उसको हेड बना दिया है। सो ठीक है यार, चलो फटाफट से इधर ही गए होना चाहिए। रेड निंजा यार कहाँ आ गया भाई तू, यहाँ पर ही कहीं ना, ठीक है रेड निंजा इधर ही, ठीक है हाँ ये रहा गाइस। यहाँ पर इसने आई थिंक माल वगैरह ये ना अनलोड कर रहा है, लगता है ये लोग भी अभी भी माल उतार रहे सारा का सारा। इसमें ड्रग्स वगैरह आपको बोला था मैंने, जहाँ पर हम लोग गए थे ना स्टार्टिंग में वहाँ से सारा का सारा माल ला लिया, ये सारा का सारा माल भी बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा भाई, ड्रग्स है भाई इसमें। और ये क्या बंदा किससे चैटिंग कर रहा है ये, और ये बंदा ना मैं आजकल देख रहा हूँ भाई, ये बंदा कल से फुल फ़ोन में बिजी भाई, देख भी नहीं रहा मैं आया हूँ भाई, पता नहीं यार किससे चैटिंग करता है आजकल ये बंदा, भाई ध्यान नहीं रह रहा है इसका, देख रहा हूँ मैं आ गया हूँ। अरे यार अब देख रहा है, अरे क्या यार रेड निंजा क्या कर रहा है तू, किसके जाल में फंस गया, ये कह रहे कि नहीं यार थोड़ा काम वगैरह कर रहा हूँ भाई, समझ तो नहीं आ रहा है भाई, फुल चेहरा डगा है भाई। ठीक है भाई, पता नहीं यार ये रेड निंजा को क्या हो गया भाई, चैटिंग वगैरह चल रही है इसकी पता नहीं यार। ठीक है भाई, और ये कह रहे हैं कि ये देखो सारा का सारा माल हमने अनलोड कर दिया है, ठीक है। और अब मैंने इसको बोल भी दिया कि कैश वगैरह हमको करना है तो गोल्ड सारा का सारा ट्रक में ना लोड कर दो अपने जो भी ट्रक्स वगैरह हैं, तो इसके अंदर माल वगैरह डाल देंगे, ठीक है, और सारा का सारा गोल्ड अपन ले जाएंगे लिबर्टी सिटी। तो यार फटाफट से ना अपने सिक्योरिटी को बोल के माल फटाफट से इसमें डाल दो, और टाइम नहीं अपने पास, तो मैं आपको मिलता हूँ भाई सब कुछ इसमें लोड होने के बाद, वरना बहुत टाइम पर हो जाएगा, आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। तो ठीक है ना, मैंने इसको बोल दिया है और ये फटाफट से हर चीज़ कंप्लीट कर ही देगा।
चलो यार फटाफट से कर देना। ऑल राइट गाइस, यार सारा का सारा गोल्ड बहुत, एक घंटा लग चुका है, एक आधा घंटा आई थिंक, तो सारा का सारा इसमें माल लोड हो चुका है। सो चलो यार ये वाला ट्रक है ना भाई, फटाफट से इनको बोल दिया फटाफट से चलो। कितने टोटल एक बार देख लो, ऐसे आप लोग भी गिन लो, 1 2 3 4 टोटल 10 है ना, ठीक है टोटल 10 ही है, आई थिंक 10 ही है। चलो पूरा एक रूम तो खाली कर दिया इन लोग, ये तो ये कह रहा है कि पूरा एक रूम खाली हो गया। ठीक है ठीक है यार, इतना कैश काफ़ी है भाई इसमें ना, बहुत ज़्यादा ही कैश आने वाला है भाई, पूरा का पूरा ट्रक भर के कैश आएगा उसमें भाई, मिलियंस डॉलर का भाई गोल्ड है। तो भाई चलो तुम फटाफट से तैयारी करो, सब कुछ सिक्योरिटी वगैरह लगवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रास्ते में, कोई हमला वगैरह कर दिया ना, मैं जब तक मेरी भाई मस्टांग है ना भाई उसको ले आता हूँ, वरना मेरे मस्टांग वहाँ पे मैंने खड़ी कर दिए। सो गाइस मैं खुद जाने वाला हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम, मैं नहीं चाहता कोई मेरा प्रॉब्लम हो जाए, और समझ रहे हो। सो गाइस अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, चैट पर गोल्ड ओपी लिख दो तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो प्लीज़ टाइप जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और 1000 लाइक करके वीडियो को ऊपर ले जाओ, जाकि उससे ना हमें और सपोर्ट मिले और हम बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना सकें। तो यार कहाँ गए मेरी जीटी मस्टांग, हाँ एक सेकंड ये रही। चलो यार हमेशा मेरा पैर यहाँ पे फिसलता है पता नहीं क्यों। ऑल राइट ठीक है चलो फटाफट से यार गाइस, अभी इतना ज़्यादा पैसा आने वाला है ना भाई, इतना ज़्यादा पैसा आने वाला है भाई, मैं सोच रहा हूँ कौन सा एक बिज़नेस करूँ, वैसे तो अपना बिज़नेस चल ही रहा है शोरूम का, बट एक शोरूम से इतना पैसा अब मुझे नहीं लग रहा इतना काफ़ी होगा गाइस, क्योंकि पहले अपने पास पैसा नहीं था, सो हमें लग रहा था अच्छा पैसा आ रहा है, बट अब ऐसा लग रहा है ना ये भी पैसा कम लग रहा है। तो गाइस अब अपने को ऐसा बड़ा वाला बिज़नेस करना, तो मैं चाहता हूँ कि आप ना ऐसा मेरे को कुछ सजेस्ट करो जिससे ना भाई शोरूम से ज़्यादा बड़ा बड़ा पैसा आए, तो भाई समझ रहे हो। सो मुझे चैट बताओ मुझे जिसको अच्छा कमेंट लगेगा, जिसका आइडिया बढ़िया लगेगा, सो भाई वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिजनेस खोलेंगे एंड करेंगे कुछ ना कुछ। तो यार चलो फटाफट से पीछे आ जाओ भाई, कहाँ गया ये वाला ट्रक वाला, पैसे भाई उसमें गोल्ड है भाई, आराम से आना भाई आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए अपने को। तो यार आप लोग चैट पे ज़रूर लिख देना ठीक है ना गाइस, तो मैं ज़रूर देखूँगा और कमेंट अच्छे करना, मैं सबकी कमेंट देखता हूँ यार, हर बारी मैं सबको हर्ट देता हूँ भाई, एक भी ऐसा कमेंट नहीं मैं जो मिस नहीं करता, तो प्लीज़ हर एक बंदा लाइक ज़रूर करना। और यार आ रहा है क्या नहीं भाई, इतना दब से चल रहा है ना, चलो यार कोई बात नहीं, इसमें एक एक किलो के भाई गोल्ड के बिस्किट है भाई, समझ सकते हो कितने बिस्किट है। सो चलो यार फटाफट से ना भाई साहब अब जाते हैं अपने सैंडी एयरपोर्ट पर, और वहाँ से लोड वगैरह कर देंगे। एक सेकंड ये राइट जाना था क्या, पता नहीं यार सैंडी एयरपोर्ट कहाँ से आता है, तो यहाँ से चलो यार कोई ना शॉर्टकट नहीं मारा, सीधा जाते हैं फटाफट से और आपको सैंडी एयरपोर्ट की ओर मिलते हैं। ऑल राइट गाइस यार फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं सैंडी एयरपोर्ट पर, और चलो यार अपना ट्रक पे बिल्कुल आ चुका है, कोई अटैक वगैरह किसी ने नहीं किया, आई होप कि किसी ने अटैक वगैरह नहीं किया गाइस, वरना प्रॉब्लम हो जाती। और एक सेकंड यहाँ पर चलो सब कुछ बढ़िया, और ये क्या है, चलो कोई ना कोई यहाँ पर अपना काम करना होगा। ठीक है यार भाई इतना बड़ा हेलीकॉप्टर ये ना भाई, मैग्नेटिक हेलीकॉप्टर आपको पता है कितना पावरफुल होता है, बट यहाँ पर क्या कर रहा है पता नहीं, कुछ काम वगैरह होगा, मतलब कुछ प्लेन वगैरह ख़राब हुआ होगा तो आया होगा सेटिंग करने के लिए। इसका चेहरा देखो भाई कितना डरावना लग रहा है भाई, टकला है भाई, मास्क वगैरह पहना है, कोरोना हो गया क्या भाई तेरे को, मास्क वगैरह पहन के आया भाई। ठीक है कोई बात नहीं, चलो भाई यहाँ पर ना फटाफट से ट्रक को इसमें ले जाते हैं, बट एक सेकंड ये पायलट वगैरह का आ गए यार, क्योंकि लिबर्टी सिटी पायलट, क्योंकि मैं तो गोल्ड के पास रहने वाला हूँ पीछे बैठने वाला हूँ, बट ये जो अपने पायलट लोग हैं ना भाई वो किधर गए, कुछ लोग भी थे अपने इधर यार, लिबर्टी सिटी जाना है तो गाइस मैं सोचा कि मैं पीछे आराम से बैठूंगा और पायलट वगैरह चलाएंगे, क्योंकि हर बारी तो अपन ही चला रहे हैं भाई, अपने भाई इतना पैसों की क्या फ़ायदा फिर यार। कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्या ही सीन है, रेड इंजा यार पता नहीं यार गाइस भाई कोई दिख ही नहीं रहा इधर, पर यार अपने को चलाना होगा क्या भाई, ऐसे तो नहीं भाई, मुझे उन्होंने कॉल तो किया था, कह रहे कि हम तो आ चुके हैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लग रहा है अंदर बैठे होंगे कैबिन में, चलो एक बार अंदर जाके देखते हैं एंड ठीक है यार पता करते हैं गाइस क्या सीन है, अंदर तो कोई भी नहीं है यार, अंदर कोई भी नहीं है भाई, दरवाज़ा भी ओपन है, मतलब
आवाज़ भी दे रहा हूँ यार गाइस, क्या ही सीन है। चलो एक बार कॉल ही करके देखते, एक सेकंड इसकी भैंस की आग, ये क्या है भैंस की आग, ये क्या है भाई? अरे ट्रक उठा ले गया वो। अरे भाई यार ये क्या स्कैम है भाई, अरे भाई भाई पूरे ट्रक को ही उठा ले गया वो भाई, उतनी पावर तो है उसमें वैसे भाई, हमारा ट्रक में ले गया उठा के यार, ये कौन है भाई? अरे 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 यार गाइस यार ये क्या तमाशा हो रहा है इधर भाई, वो उस बंदे ने, अरे कितने ऊपर ले जा रहा है, अरे नीचे ला ले भैया प्लीज़, अरे यार इतनी सालों की मेहनत है यार, प्लीज़ नीचे ला ले यार, पता नहीं कहाँ से लूटा था मुझे खुद याद नहीं है यार, देखो ऊपर ही ले जा रहा है भाई, इसको फोड़ भी नहीं सकता, अपना बंदा बैठा हुआ है उसमें भाई, अपने दो बंदे बैठे हुए उसमें, निंजा सिक्योरिटी और गोल्ड भी है यार, मार भी नहीं सकता अब इतने ऊपर चला गया, अब तो रॉकेट भी जाने वाला नहीं उधर से यार, भैया नीचे ला ले भाई यार, यार गाइस यार भाई आधी ज़िंदगी चली जाएगी भाई कमाते कमाते उसमें यार गाइस। अच्छा वो पूरे हमने सोना लाया नहीं, वैसे भी यार वो एक ही ट्रक ले जाता है, एक ही ट्रक फुल है भाई साहब, पूरा का पूरा एक रूम में जितना सोना था ना अपने, 10 ट्रे थे उसमें भाई, पूरा का पूरा रूम ही उठा के ले गया, कितना बारीक हो गया। अरे आगे जा रहे हैं वो, कहीं आगे जा रहे हैं गाइस, मुझे लगा ऊपर ही के जा रहे हैं भाई, चलो पीछा करके देखते हैं एक बार भाई, स्पीड कम लग रही है भाई, स्पीड कम है उसकी भाई, हम उसको पकड़ सकते हैं अगर वो लॉस एंजेलस में जा रहा है तो कहीं ना कहीं रुकेगा। हाँ चलो सीधा ही जा रहा है, सीधा जा रहा है, आई थिंक मैं पकड़ सकता हूँ उसको, पता नहीं सीधा कहाँ जा रहा है भाई, आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे समुंदर है भाई, भाई लिबर्टी सिटी तो नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे सीधा लिबर्टी सिटी का रास्ता आता है पीछे से, और आगे वाइस सिटी। यार ये क्या सीन है यार, डेड निंजा कुछ कर यार, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा तो यार पूरी, अभी तुम्हारी पेमेंट कैसे करूँगा भाई साहब, पहले ही गए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी खरीद के रखा हो ना, और इनकी पेमेंट वगैरह भी करनी होती है और बहुत कुछ यार, लोल हो रहा है गाइस यार, ये क्या चला रहा हूँ मैं गाड़ी, कसम से भाई जब टेंशन आता है ना भाई, गाड़ी कैसे भी चलती है मेरे से, कोई बात नहीं आराम से गाड़ी चलाएंगे भाई, अभी भी मेरे को दिख रहा है ठीक है ना, आप लोग को दिख रहा है कि मुझे नहीं पता गाइस, मुझे तो बारीक से दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करके देखें दिख रहा है गाइस, ठीक है ना मैं फटाफट चलता हूँ भाई, पकड़ सकता हूँ क्या मुझे नहीं पता गाइस, चलो अभी पता चल जाएगा। हाँ देखो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा दिख रहा है, ये एक सेकंड, वो देखो थोड़ा सा ऊपर देखो, हेलीकॉप्टर ही ना वो, क्या है भाई मुझे बताया, एक सेकंड, नहीं हेलीकॉप्टर नहीं है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा ही बारीक है। अरे यार ये कैसी कार है यार, कसम से बहुत ज़्यादा ही बारीक नज़र आ रहा है, ठीक है। अरे यार ये कार कितना ऊँचा कर रही है यार, ये ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं है कार गाइस यार, मैं इसको ऑफ रोडिंग के लिए चला रहा हूँ भाई, ये कार अब रेसिंग के लिए बनी है और मैं इसको कहाँ चला रहा हूँ आप ही देख भाई, मुझे ना एकदम बारीक से नज़र आ रहा है, बट अब नज़र नहीं आ रहा है, अब गायब हो गया भाई, अब नज़र ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही गायब, जिसके आँख तेज थे उसने देख लिया होगा पता नहीं गाइस, जिसके आँख कमज़ोर होंगे उसको दिखा रहे होगा, अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई हैशटैग आइस लिख दो EYES, तो मुझे समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, यार ये क्या ही छपरी चाले हो रहे हैं भाई, मुझे तो अब नज़र नहीं आ रहा है, लग रहा है मेरी नज़र का अब इधर शक्ति कम हो चुकी है मेरी, पता नहीं आप लोग को दिख रही है कि नहीं, बट मेरी आँखों की शक्ति इधर ख़त्म हो चुकी है, वो इधर ही गए स्ट्रेट यार गाइस, बहुत बड़ा वाला गाइस भाई, उसका मैंने चेहरा देखा, उसने मास्क वगैरह लगवाया था, टकला था पूरा यार, ये क्या हो रहा है हमारे साथ यार, मैं सोचा इतना ज़्यादा कैश हो जाएगा हमारे पास और हम लोग बिजनेस वगैरह करेंगे, जेट वगैरह परचेस करेंगे और लॉस सेंटर्स में अपना ही नाम होगा यार गाइस, सपना ही रह रहा है यार कसम से ना, पहले ही हमारा इतना सारा ड्रग्स का माल YCT में पकड़ा गया, अब इतना ज़्यादा गोल्ड सारा का सारा चोरी हो गया, वो भी मैग्नेटिक, उसको मार भी नहीं सकते ना हमारे बंदे थे उसमें यार, इतने से पैसों के लिए मैं नहीं चाहता हमारे लोग की जान जाए भाई, ये किसका प्लान हो सकता है मुझे नहीं पता, और वो पायलट लोग मुझे लग रहा है मिले हुए थे, मुझे लग रहा है ना वो पायलट लोग ही मिले हुए थे इसकी फैस किया, वो पायलट लोग तो वहाँ पर है नहीं, तो एक काम करते हैं, वो पायलट लोग तो अपना प्लेन लेने तो आएंगे ठीक है ना, तो उन्हीं को पूछता हूँ सालों को वैस, क्योंकि मुझे लग रहा है ना उन्हीं का काम है, क्योंकि वो साले छुप के बैठे होंगे कहीं, उन्हें पता होगा, तो यार एक सेकंड मैं जाके देखता हूँ, वैसे चुप ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, डायरेक्ट गोली मार दूंगा डायरेक्ट,
क्योंकि ना भाई इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कभी सोच ही नहीं होंगे भाई, इतना ज़्यादा पैसा वगैरह सब चीज़ भाई लगा दी हमने क्या क्या करने में। अब हो चुका है भाई दिमाग बिल्कुल ही ख़राब। चल फटाफट से बैठ यार, रिटर्न जा यार, मतलब पेमेंट तुम्हारी कैंसिल कर दूंगा। चलो भाई ठीक है, फटाफट से जाते हैं और उधर ही मिलता हूँ आपको मैं डायरेक्ट। सैंडी और फोर्ट पर पता करते हैं। और ये देखो भाई क्या ही कार चला रहा हूँ मैं आज भाई, बिल्कुल ही गाइस भाई कार चला रहा हूँ भाई, देख रहे हो भाई, ऑफ रोडिंग के लिए कार ही नहीं बनी है ये, इसके टायर बने ही नहीं। तो चलो भाई डायरेक्ट वहाँ पर मिलता हूँ आपको। ऑल राइट गाइस, इधर ना फटाफट से मैं आ चुका था भाई, पायलट का इधर ही है, इनका एरोप्लेन यहाँ पर ही है। यार मैंने गलती कर दी गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा प्लेन भी रखा था यार, ये मैंने नोटिस क्यों नहीं किया, मैं कार लेके चला गया। हार्ट पे एक सेकंड, यहाँ पे किसी की बॉडी पड़ी यार गाइस, मुझे लगा ये लोग मिले हुए। ठीक है यार गाइस, कोई बात नहीं यार गाइस, अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, अब कल ही का पता करेंगे। और लाइक सब्सक्राइब करो, पता नहीं किसने चोरी किया, तो प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।